गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि आपने आपके जो अपने हैं उन्हें अपना होने का एहसास दिलवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त उन्हें आपके बगैर जीना सिखा दे। ये बहुत ज़रूरी है। जो सूरत हाल है, जो आपके करीबी लोग हैं उनसे राबता कीजिए, फ़ोन पर रहिए, उनसे उनका हाल हवाल पूछते रहिए। ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर लोग बहुत खौफ में हैं, डर चुके हैं, मिल नहीं रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये खौफ इतना ज़्यादा फैल चुका है। नाजरीन, आज 26 जून है। UNO की तरफ से 26 जून को एक आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। उसकी रीज़न क्या थी, क्यों मनाया जा रहा है? नशे की रोकथाम के लिए और स्मगलिंग जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। इसलिए आज का ये जो दिन है नशे की रोकथाम के लिए आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। नाजरीन, अगर नशे की बात करें तो जैसे कोरोना एक वबा है और वो बहुत से ममालिक इसकी लपेट में हैं, नशा भी एक वबा है जिसमें बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इसकी लपेट में आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है। क्या रीज़न है, क्या वजूहात सामने आती है? क्योंकि इस पर बहुत काम किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद फैक्ट्स एंड फिगर इतने ज़्यादा सामने आते हैं जब आप इस पर काम करते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर। अगर मैं पाकिस्तान के बहुत से सिटीज़ की तो बात नहीं लेकिन अगर कुछ सिटीज़ की बात करूँ तो इस्लामाबाद में 44-55% इसमें इजाफा हुआ है इसके इस्तेमाल में। जो लोग इसके एडिक्टेड हैं, जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नाकिस अद्वियात जो हैं, जो जैसे जो नशावर अद्वियात हैं, इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें 8 साल से 40 साल के लोग जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। वजूहात की अगर बात की जाए तो बेशुमार हैं। पेरेंट्स क्या वक्त नहीं दे रहे अपने बच्चों को? टीचर का क्या रोल है? बच्चे क्यों इस तरफ आ रहे हैं? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? हम बात करते हैं कि कुछ लोग नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, गाड़ी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो वो नशे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन सच क्या है, जिन लोगों के पास ये सब है वो क्यों नशा कर रहे हैं, क्या वजह है? नहर के उस पार भी एक कुछ लोग नशा करते हैं, नहर के इस पार भी कुछ लोग नशा करते हैं। कुछ लोग हमें चौराहों पर, सड़कों पर नज़र आते हैं जिन्हें आजकल कोरोना की वजह से शायद वो ड्रग्स नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से वो उनका हाल बेहाल है। उसके अलावा उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि आप देखते हैं कि लोग उनके करीब नहीं जाते जब वो किसी सड़क पे पड़े होते हैं। तो ये सूरत हाल बहुत खौफनाक है। अगर बात की जाए स्कूल सिस्टम की, बहुत बड़े बड़े नाम है स्कूल सिस्टम जिसमें प्राइवेट बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक बहुत सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें ये चीज़ें इतनी आम की हो गई, क्यों उसको हमने इतना नॉर्मल लेना शुरू कर दिया? क्यों हमारे टीचर्स हम पे चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रहे? क्यों हमारे पेरेंट्स हमें नहीं सिखा पा रहे? क्या बच्चों का टेस्ट एनुअली होना चाहिए? जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, अगर आपको थोड़ा सा शक हो रहा है, क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है? क्या आप, पेरेंट्स आजकल डरते हैं अपने बच्चों से बात करते हुए, झिझकते हैं उनसे पूछते हुए कि क्या आप कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हैं या कोई आप बैड कंपनी में तो नहीं बैठ रहे? लेकिन क्या होना चाहिए? अगर आपको शक है तो क्या बच्चों का टेस्ट होना चाहिए? इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? कितने स्टेजेस होते हैं? फैमिली ये समझती है कि अगर उनके घर में कोई भी शख्स नशा कर रहा है तो ये नशा एक मसला है, जबकि जो नशा ले रहा है उसको ये लगता है कि मेरे जितने मसाइल हैं जिंदगी में ये उसका हल है। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है फैमिली में। जो शख्स है, जो बंदा है, जो मुतासिर है, जो विक्टिम है, वो अपनी फैमिली से दूर होना शुरू हो जाता है। जो फैमिली है वो इस वजह से बच्चे से दूर होना शुरू हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी अगर उन्हें पता चल जाएगा। बहुत सी वजूहात है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे आज मेहमान मौजूद हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग भी आज मेरे साथ हैं। आज एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, लेजेंड कहती हूँ मैं उन्हें, उन्होंने रेडियो से स्टार्ट किया। उन्होंने जब रेडियो से स्टार्ट किया तो कलो ड्रामा इनका डेब्यू ड्रामा था और उसमें इन्हें एक बच्चे का रोल मिला था और बानो कुदसिया आपा जो है उनका लिखा हुआ ये ड्रामा था, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। अगर टीवी की बात करें तो इन्होंने टीवी पर जो डेब्यू ड्रामा इनका था शाहीन, जो इनकी वजह शोहरत बना, जिनके बाद इन्होंने बेशुमार फिल्म्स में काम किया, बेशुमार ड्रामों में काम किया, उर्दू पंजाबी में बहुत काम किया, सोशल वर्क बहुत काम किया, में बहुत काम किया। इन्हें आप हर प्लेटफॉर्म में बात करते नजर आएंगे। जब फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर हो रही थी तो भी इन्होंने बहुत काम किया, बहुत से स्टूडियोज के लिए बहुत काम किया। मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का, राशिद महमूद साहब का। खुश आमदीद जनाब, कैसे आप? थैंक यू बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल से आज दिन के हवाले से इतनी बातें तूने इस कदर वाइड एंगल कर दिए कि हम जो सारे बैठे हुए, हम
यकीनन फर्दन फर्दन सोच रहे होंगे कि हम अब आज क्या बात करेंगे जिस कदर तूने डिटेल से, लेकिन बहरहाल हम चूंकि सब जो बैठे हुए हैं हम लफ्जों का हुनर भी जानते हैं, लफ्जों की हुरमत से भी आशना है, इसलिए हम उसी इंटरप्रिटेशन को अपने हवाले से सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कीमती वक्त का आप हमारे शो पे। माय प्लेजर जी, थैंक यू सो मच सर। इनके साथ हमारे बड़े जबरदस्त मेहमान हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं खुशामदीद कहना चाहूंगी असद याकूब साहब का। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग, मैं यही कहूंगा, क्योंकि आज यहाँ पे स्टूडियो में आते हुए मौसम का भी लुत्फ लिया और जो अभी आपका खास तौर पे टॉपिक है ये वो चीज है कि हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल, और मैं रियली थैंकफुल हूँ कोहिनूर टीवी का कि इस तरह के मौजूदात जिनको आमतौर पे लोग हिचकिचाते हैं बात करने से, उनको मंजर आम पे लेके आते हैं। तो दिस गोइंग टू बी अ वंडरफुल शो टुडे इंशाल्लाह। और जी हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है, डॉक्टर फौजिया है जो PRCS की मेंबर भी है, 14 साल से ब्लड बैंक की इंचार्ज भी है। खुशामदीद मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और मुझे बहुत खुशी है और सबसे ज्यादा खुशी है कि आज नए दो लोग मुझे जो है ना वो मिले मेरी लाइफ में, इरम और आशीष साहब, और सर से पहली दफा मुलाकात हुई है। और मेरे हर प्रोग्राम का यही खूबसूरती है कि आपका दिए से दिया ऐसे ही जलता है। बिल्कुल, बाकी ऐसे ही सूरज को चिराग दिखाने के बराबर आज आशीष साहब के सामने जी बिल्कुल कुछ बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन सर अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम। और हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं जो बहुत अरसे से नशात की रोकथाम के लिए बहुत काम करे, जो एडिक्टेड है उनकी ट्रीटमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करे, फैक्ट्स एंड फिगर लोगों को बता रहे, लोगों को ग्राउंड रियलिटी पे इन्होंने बहुत काम किया। मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर नूरुल जमान रफी का। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरम, और बहुत शुक्रिया कोहिनूर टीवी का कि उन्होंने ये स्पेशल जो हमारा इशू है इस वक्त का उसके उस पर बात करने के लिए बुलाया। और यहाँ मैं ऐड करता चलूँ, आपने एक बात की थी UN के हवाले से जी, और इस साल का थीम भी जो है वो ऐसा ही है, इसीलिए हम डाइवर्सिफाइड फील्ड के शायद लोग इकट्ठे हैं। बेटर नॉलेज बेटर केयर, जब बेटर नॉलेज की बात करते हैं तो फिर तो सभी को ही नॉलेज जो है वो देने की बात है। तो ये बड़ा अच्छा है कि मुख्तलिफ फील्ड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और डेफिनेटली वही वाली बात के इनके सामने बात करना राशिद भाई के सामने इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन स्टिल वी आर देयर टू टॉक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच के वॉलंटियरों, आप ही का नहीं सबका हूँ जी। मैं रब को राजी करने के लिए जो मेरी नमाज की कोताही है ना, मैं ये जो नमाजें हैं ये भी तो रब तक पहुंचती है ना, जो मैं उसकी मखलूक के लिए हम एक वो सारे का सारा करते, तो ये सारी रब की रजाओं के लिए और अपनी उस नेशन के लिए, अपनी उस यूथ के लिए, अपने उन बच्चों के लिए, अपनी जमीन से रिलेटेड ये काम है जो हम सारे के सारे करने। बिल्कुल सर, ऐसी है सर, आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज का जो दिन मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं जैसे कोरोना एक वबा है, अब ये भी एक वबा बन चुकी है, बहुत से हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे नेबर में, इवन के हमारी फैमिली में कोई ना कोई एक शख्स इस वबा की लपेट में है। बेटा अल्लाह रहम करे, ये वबा जो है ये तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह सूनर और लेटर जी कोई ना कोई इसका हल जो निकल आएगा और ये खत्म हो जाएगी जी। इसके बारे में बड़ी मुतजाद सी बातें, कुछ कहते हैं फैला दी गई, कुछ कहते हैं क्या, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन एक वबा इब्तला जो है वो पूरी ग्लोबल लेवल पे मौजूद है, हम नहीं सारी दुनिया में ये इसके आफ्टर इफेक्ट जो आए, तो इंशाल्लाह ये तो हो जाए। अब आज के हवाले से 26 जून से नो टू ड्रग्स, ये दिन है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है मनुष्यात के हवाले से। मेरे मुल्क में ANF है, नूर साहब का कंसर्न है क्लिनिक्स, इसी तरह और भी है कुछ, ये सारे के सारे बरसा बरस से एक कमिटमेंट से, एक पेशेंस से, एक इरादे, एक डिवोशन से जी। ये सारे के सारे इस मिशन में शामिल हैं, लेकिन इन तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद, तमाम मेहनत के बावजूद, तमाम डिवोशन के बावजूद ये मसला कम नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ता चला जा। मसला पता क्या है, जो मेरे एनालिसिस में बकिया डॉक्टर साहब है ये ज्यादा उसके इफेक्ट्स एंड फिगर जो है उसके हवाले से बात करेंगे, मैं तो बड़ी सलीस सी बात, मैं समझता हूं कि इस इकोनॉमिकल दौड़ ने इस कदर हमें बर्बाद करके रख दिया है। हम पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, इस हद तक करने के लिए तैयार हैं कि ये जमीन जो हमें शनाख्त देती है, रिस्क रोजी की आसानियां जहां रब हमें देता है, जो भरम और सारा कुछ जहां से मिलता है,
जो दुख है वो मेरी जमीन मेरा मुल्क मुझे दे रहा है, और खुशियां जो वो मैं यहाँ से हट के कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, और वो उसके काम भी नहीं आ रही जिस जिसने लूटा हुआ है। अपने खानदानों से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से जुड़ के रहिए। आप उनके लिए इकट्ठा कर रहे हो ना, तो अगर उनकी तबाहियों के लिए इकट्ठा कर रहे। सबसे बड़ा अलमिया जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हम इस इकोनॉमिकल दौड़ में इस कदर तेजियों में आ गए हुए कि हम अपने बच्चों को वो टाइम ही नहीं दे। मैं लम्ज में दाखिल तो कर देता हूँ क्योंकि मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, मैं एनसीए में दाखिला दिलवा दिया, जीसी में चला गया, बीकन हाउस, फलां कैनेट, सब जगह। आप उसको देखो तो सही, आपने उसको गाड़ी भी ले दी है जो उसके मुंह से निकलता सबके। अब तो हमारे घर कोई फलां टाउन में, कोई फलां हाउसिंग में बड़े बड़े घर हैं, 26-26 कमरे, और हर फर्द अपने अपने कमरे में। अम्मा और अब्बा जो है, अब्बा के पास तो खैर वक्त ही नहीं होता, वो तो अपने बिजनेस में इस कदर वाइड एंगल मसरूफ है कि वो होते ही नहीं है, वो सिर्फ रात को कंप्यूटर पे गिन के सोते हैं कि आज मेरे पैसे इतने मल्टीप्लाई हो गए। ये हो गया हुआ मिनरेसल कॉम मेजोरिटी इसमें, और इसी के आफ्टर इफेक्ट जो हम भुगत रहे। आप अपने बच्चों को सब कुछ दो, हर चीज जो है पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चों को वो सारा कुछ फीड करना, उनके जिम्मे। लेकिन आप उन पर नजर भी तो रखो। आपका बेटा अपने कमरे में बैठा, आप उससे मिल ही नहीं पाते हो, जब आप घर में आते हो वो सोया हुआ होता है, सुबह वो निकल गया होता है तो आप सोए हुए होते, एफिलेट नहीं हो रहे। अपने बच्चों को हर चीज दें, ये आपकी ड्यूटी में, लेकिन आप उन पर नजर भी तो रखो। इनकी सोसाइटी क्या है, इनकी टाइमिंग क्या है, ये जाते कहाँ हैं, ये बैठते कहाँ हैं, ये जो नशे की जितनी अकसाम है ये इस कदर महंगी है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो बेचारे सड़कों पे समद बॉन्ड सूंघते हुए मर रहे हैं, वो और इनमें करोड़ गुना फर्क है। ये ज्यादा कमाते हैं उस फैमिलीज में, उन घरानों में, और उन एजुकेशन सेंटर्स में हो रही जो बहुत हाई लेवल के। खवातीन भी है, बच्चे भी है, फीमेल भी, ये क्या बर्बादियां हो रही, रोकने की कोशिशें हो रही सारे। लेकिन ये सिर्फ ना तो इदारों का काम है, ना तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ना ही फोनिक्स, ना दूसरे जो कंसर्न, ये बेचारे अपने तौर पे जो कुछ है ये फर्दन फर्दन हर फर्द का जिम्मा है कि तुम उस पर नजर रखो ना कि क्या बच्चा किससे मिल रहा है, किस पैसे दिए चले जा रहे हो, कहाँ जाएंगे। ठीक हो गया सर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि हम अपने बच्चों को सब कुछ तो दे रहे हैं, सिर्फ वक्त नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा जरूरी और अहम चीज है वो है आपका वक्त। आप उनको सब कुछ दीजिए लेकिन टाइम से पहले ना दीजिए। एक तो कदर कम हो जाएगी, दूसरी आपकी कदर भी कम हो जाएगी, फिर डिमांड ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे सर ने जिक्र किया पेरेंट्स की जिम्मेदारी, क्या इसी वजह से बच्चे नशे की तरफ जाते हैं या बैड कंपनी, किसी तरह की भी कंपनी, बहुत सी और जराइम में उनमें मुलविस हो जाते हैं, क्या सिर्फ यही वजह है? नहीं, सबसे पहली वजह तो यही है और सबसे अहम वजह बिल्कुल यही है कि लोग जो है वो अपना डायरेक्टली उस वक्त तक जो है पेरेंट्स के साथ जो एक गैप आ गया ना उनका जी, वो बहुत ज्यादा इस चीज में अहमियत रखता है। ये तो पहली बात होगी। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि हमने बच्चों का ख्याल नहीं किया। अभी प्रोग्राम से पहले हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि बहुत सारे पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम जब बच्चे अभी घर में रहे ये लॉकडाउन के दौरान, तब पता चला कि हमारे बच्चे तो ड्रग्स लेते हैं। बिल्कुल। अब जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो रही होगी, पेरेंट्स और उनमें इतना गैप होगा, तो दे कैन नॉट बी एक्चुअली गो अहेड। वो ठीक नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि आप उनको देख ही नहीं रहे, उनके बारे में जान ही नहीं रहे। अब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि बच्चे को क्रेविंग हो रही है, बच्चे में विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, और जब विड्रॉल सिम्टम्स देखे तो तब आप परेशान हुए कि पता नहीं इसको क्या हो गया। ज्यादातर लोगों ने कहा जी पता नहीं ये मिर्गी का दौरा पड़ रहा है इसको, बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं था। जब लेके गए हॉस्पिटल पता चला जी कि वो तो एडिक्ट है किसी चीज का, और उसको उसकी ड्रग मिलेगी तो ये ठीक होगा। सो ये वो जो गैप है, ये तो पहली चीज होगी। नंबर टू वही बात आ जाती है कि हम बड़े अजीब से लोग हैं। मैं परसों एक जगह पे बैठे बात कर रहा था कि एक चीज होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जब कुव्वत मुदाफ़त कम होती है ना, तो इंसान के अंदर वो होना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से HIV का वायरस लगता है तो एड्स हो जाती है जी। इसी तरीके से जो अपना कोरोना की बात अगर मैं करूं तो कुव्वत मुदाफ़त कम हुई और मुख्तलिफ किस्म के आपके सामने अलामत आना शुरू जी। अब हमें वैसे भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुई हैं। वो क्या है कि हमने पैसा बनाना है।
हमने बाय हुक और बाय क्रूक हमने पैसा बनाना है। वी आर बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक जी, हमें ये पता नहीं है कि मेरे साथ वाले घर में अगर एक बच्चे को मैं किसी नशा और अशिया के ऊपर आदि कर रहा हूँ, कल को वो बच्चा मेरे घर भी आ रहा होगा, कल को उसने मेरे घर में भी लिंकअप करना है, कल में वहाँ पे भी करना है, और वो जो है वो वहाँ पे वो शुरू करवा दिया उसने। अब वहाँ से चीज़ें चलती चलती चलती, बड़ी अच्छी बात की कोविड का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाएगा जी, इट्स जस्ट मैटर ऑफ डेज और ईयर्स वट एवर ख़त्म हो जाएगा, एंड वी हैव टू लिव विद दैट। बीमारी के साथ जिंदा रहना है ना जी, क्रॉनिक बीमारियाँ आपके पास, डायबिटीज़ है इस वक्त आपके पास, जो है अपना हाइपरटेंशन का मसला है, आप उसके साथ जिंदा रहते हैं। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को सीखते गए कि जी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहन के बाहर निकलना है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, जब हम ड्रग्स की बात करें वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। जो नंबर गवर्नमेंट के मुताबिक 70 लाख था 2012 में, वो अब अगर उसको मल्टीप्लाई करें और उसकी प्रेवलेंस देखें तो 1,40,00,000 लोग जो है 2012 में हुआ और ये शायद 2013 में, उसके बाद दोबारा उसके बाद दोबारा नहीं सामने नहीं आए अभी तक। अब दोबारा जो है वो गवर्नमेंट करने जा रही है उसे, ये अगर कोरोना ना शुरू हो रहा होता तो फिर हम इस वक्त वो जो है उसके लिए सर। लेकिन इसके सामने जो एक सर्वे के मुताबिक आया था 44-55% जो इजाफा हुआ है वो यूथ में हुआ है, और हमारी ज्यादा हैवी यूथ, बिल्कुल। तो सर यूथ जो है सब यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेज में, पढ़े लिखे बच्चों में हुआ है, बिल्कुल सब उसमें, अनपढ़ों में या उनमें जो लोग क्लास के लोग हैं उनमें नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो जो लेवल जिंदगी है उसमें मेजॉरिटी हुआ है। जो लोअर लेवल का है ना वो तो वही है जो पहले बात की उन्होंने, वो तो वो है जिसको कि आपने यानी कोई वोलेटाइल सब्सटेंसेस से शुरू कर दिया, उसके बाद वो हेरोइन तक चला गया और उसके बाद इंजेक्शन पे और उसकी डेथ हो गई विद इन 4-5 years। लेकिन जो अपर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास जो स्कूल में कॉलेजेस में जा रही है उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसमें ये इन्हेंस हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, जो सर्वे किया गया था यूथ में उसमें जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं या अच्छे स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उसमें जो जितना इंटेलिजेंट या जितना अच्छा टॉपर बच्चा है अगर उसका भी टेस्ट करवाया गया तो वो एडिक्टेड था। क्या पेरेंट्स की तरफ से प्रेशराइज किया जाता है, सोसाइटी की तरफ से प्रेशराइज किया जाता है, ये जो तालीमी मैदान में दौड़ है उसमें आगे आना, क्या उसकी वजह से भी कोई वजह सामने आती है इसके एडिक्टेड होने की? इसकी सबसे बड़ी वजह तो पेरेंट्स हैं जी, क्योंकि जो माँ है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, तो फ्राइड ने भी कहा है कि पर्सनैलिटी 5 years में डिवेलप हो जाती है, तो 5 years वो सिर्फ माँ के पास ही रहता है, ठीक है। देखिए जो पहले 5 years हैं उसकी लाइफ के कितने अहम थे, उसके बाद वो स्कूल गया, स्कूलिंग में उसके टीचर्स का उस पर बड़ा इम्पैक्ट है, और टीचर्स के साथ जिन बच्चों में वो बैठता है, अब किन बच्चों में बैठता है पेरेंट्स, जैसे आपको पता है पहले पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाते थे, देखते थे, टीचर को पूछते थे कि हमारा बच्चा कौन से बच्चों में बैठता है, क्या क्लास का फर्क तो नहीं है, क्योंकि क्लास का भी बहुत फर्क हो तो बच्चा साइकोलॉजिकली एहसास कमतरी का शिकार होने लगता है, क्या उसका कोई ऐसे लोगों से बैठना तो नहीं जो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है, तो ये चीजें लेस होती जा रही हैं। हमने अपनी वही जैसे सर ने पहले शुरू में ही बताया है, बल्कि मैंने तो एक आर्टिकल में सर लिख भी दिया कि आज की माँ के पैरों में जन्नत भी नहीं है, इसलिए कि सर माँ होती तो जो ड्रामे हमारे जिन मौजूदात पे हमारे सेक्टर में चलने ये ना होती, सर मैं खुद एक औरत हूँ, जन्नत होती तो जी, मैं सर खुद एक औरत हूँ और मैं देख रही हूँ कि माँ को बच्चा ही नहीं पालना आता, वो MBBS तो कर गई है, डॉक्टर इंजीनियर तो बन गई है, शुरू कर दी है, पेरेंट्स काउंसलिंग स्टार्ट कर दी, उन्हें बताना शुरू कर दिया है ये, लेकिन देखिए पहले जो लोग थे बिल्कुल एजुकेशन उन्होंने ली नहीं होती थी, एक बहिश्ती जेवर पढ़ती थी औरतें और उनको पूरा आईली सिस्टम मालूम होता था। अब हम इतना दूर हैं कि वो किताबें तो हर पढ़ना बड़ी दूर की बात, लिखती हूँ मैं, मेरा हालांकि कभी कोई 0% या 1% बच्चे पढ़ते होंगे, वो भी मैं उन्हें जिन्हें सेंड कर देती हूँ कि खुदा के लिए इन्हें पढ़ लेना, तो वो पढ़ते नहीं है, किताब का तो बिल्कुल रुझान नहीं था, और किताब की अहमियत आज भी अपनी जगह पर है, बिल्कुल माँ की तरह। ठीक हो गया, असद साहब हमारे साथ मौजूद है क्योंकि इनके बेशुमार स्टूडेंट भी है। सर माजरत के साथ मैं तमाम असाज़ा कराम से माजरत के साथ ये बात कहना चाहूंगी, कुछ टीचर्स भी किसी हद तक इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे ना तो एटलीस्ट उन्हें ये जरूर पता होता है कि उनकी क्लास में कौन सा बच्चा इसका एडिक्टेड है, ले रहा है, तो सिर्फ क्या कहाँ पे स्कूल इंतजामिया भी इन्वॉल्व हो रही है, तो कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है? बेसिकली मेरा ख्याल है कि काम हमें हर जगह पे ही इस पे करना चाहिए, लेकिन पता है आजकल हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल बैठे हैं जी। टीचर जो है उसका काम है पढ़ाना,
अब टीचर जो हैं आजकल के टीचर वो यही समझते हैं कि मैंने पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म हो गया, स्कूल के बाद, स्कूल आवर्स के बाद ये बच्चा क्या करता है, मेरी जिम्मेदारी लिया, वो इसके पेरेंट्स देखें। हालांकि इससे पहले पास्ट में तालीम और तरबियत ये वालदैन और असाध्या, मैंने ऐसे असाध्या को भी देखा है कि बच्चों को वो उनके पेरेंट्स को बुला के बताते कि आपके बच्चे में ये चीज नजर आ रही है, लेकिन अब जो टीचर्स हैं उनका सिर्फ ये है कि जी मेरी क्लास में ठीक है तो सही है, इसका किरदार, इसका बोलना चालना क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, क्योंकि देखें जो भी बंदा नशा करता है और हर नशे का आगाज जो है सिगरेट से होता है, सिगरेट स्टार्ट इसी तरह होगा, और जब बच्चे सिगरेट पीते हैं उनको लगता है कि हम बड़े हो गए, एक जो फीलिंग आती है ना, मतलब मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, मतलब देखते रहे हैं बाकियों को तो, और अच्छा दौर चेंज हो गया, अब शीशे से होता है, अब शीशे से रहेगी अपग्रेड हो गया ना, वो हमारे पेरेंट्स भी उसको गलत नहीं समझते, उनको लगता है कि शीशा इज अ फैशन, फैमिली भी बैठी होती है साथ, बिल्कुल स्टेटस, वो जो काम करने वाले हैं ना वो आपको एक गैरत दिलाते हैं कि यार तू तो बच्चा ही है अभी, तूने पता नहीं कब बड़े होना है, तो एक ये चीजें, और अगर इन चीजों पे टीचर्स अपने तौर पे नजर रख लें, मतलब खुदा ना खासा सॉरी टू से बस का टीचर्स ऐसे होते हैं कि रिसेस में या सिगरेट मांग के पीते हैं बच्चे से कि मुझे सिगरेट पिला, ये लाइटर है आपके पास एंड ऑल दैट, तो इन चीजों को अगर हम लोग हर बंदा अपनी जिम्मेदारी ले, अगर मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले के बच्चे को मैंने छुप के सिगरेट पीते हुए देख लिया तो मेरी जिम्मेदारी है उसके पेरेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, अगर मैं कहूंगा कि ठीक है मेरा बेटा तो नहीं है ना, कल को वही बच्चा मेरे बेटे को भी सिगरेट पिलाएगा, तो अगर हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें तो मेरा ख्याल है कि हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं। सर एक ब्लेमिंग गेम चल रही है पेरेंट्स टीचर पे, टीचर स्टूडेंट पे, स्टूडेंट पेरेंट्स के, कि हमें तवज्जो नहीं दी जा रही, तो इस तरह से ये एक गेम चल रही है जिसमें कहीं ना कहीं आके मुतासिर जो हो रहे हैं वो बच्चे हैं। मैं जी असद साहब ही की उस जो बात की उसी को आगे बढ़ाता हूँ। देखे बेटा कॉलेजेस में जो यूनिवर्सिटी उसकी स्कूलिंग की ये वाली जो लाइफ होती है तो उसमें आप अगर थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टेटस में गाड़ी में गाड़ी छोड़ के तो आप थोड़े से मोतबर कंसिडर हो रहे होते हो अपने उस स्टूडेंट सर्कल में। जी बिल्कुल। मुसीबत ये होती है और फिर उसमें आपकी दोस्तियां आपके इर्द गिर्द आपके उस ह्यूमन नेचर है ना आपको इंस्पायर करती है इस तरह की। मुसीबत ये होती है कि उसमें अगर तो बाज होते हैं जो कमिटेड तरबियत जिनकी ग्रूमिंग उनके घर से वो ऐसी नहज पे कभी नहीं आते तो वो दुश्मन लगते हैं उस बच्चे को कि ये जो है ये सारे मेरी मुसीबत ये है कि हमारे बच्चों के जो इस दोस्तनुमा दुश्मन है उन्होंने बर्बादियां की, मेरे पास नहीं मैं तुझे तेरे पास भी नहीं रहने दूंगा। आप अपने बच्चों की हम अपने स्कूल में कॉलेजों में भेज के बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि गाड़ी भी ले दी है फीस भी मैं जमा सारे सेमेस्टर जमा करा मुझे क्या हो गया। केयरिंग केयरिंग और हर सूरत केयरिंग, ये पैसे वैसे जो है ठीक है लेकिन पैसा सब कोई को किस काम आएगा जब आप जिनके लिए कर रहे हो वही बर्बाद हो गए। जी सर इसमें आपने घर के एनवायरनमेंट की एक बात की है, आपके फादर माशाल्लाह से लिखने से उनका ताल्लुक था, शायर थे, बेशुमार फिल्म्स के लिए लिखा, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा, आपने अडॉप्ट किया वो एनवायरनमेंट घर से, आपको पता था एक बैठक है जिसमें बड़े मौजूद लोग आ रहे हैं आप उन्हें देखते थे। अगर आज के दौर में जैसे मैंने शीशे का जिक्र किया जो कि बैन हो चुका है लेकिन हमने लोगों ने घरों में खरीद के रख लिया, मदर भी बैठी होती माजरत के साथ और फादर भी बैठे होते और हमें लग रहा होता है ये एक ट्रेंड है फैशन है इससे कोई नुकसान नहीं है, तो घर का जो एनवायरनमेंट है आप सब कुछ वहीं से अडॉप्ट करते हैं, स्कूल बाद में आएगा। बेटा हम जब भी कोटेशन देते हैं बर्ट्रेंड रसल फला 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 अपने ख्वाजा फरीद से लेकर शाह हुसैन तक दो दो चार चार मिसरे पढ़ लो उनके तो वो छह छह वॉल्यूम पढ़ने की जरूरत नहीं जी। मियां मोहम्मद बख्श साहब के दो मिसरे हैं कि उच्चा ना रखाया जिसने चूल्हे दे विच सड़िया नीमा होके लंग मोहम्मद क्या लंग जाएगा अड़िया। ये जो एक दौड़ है ना स्टेटस की के मैं सबसे बड़ा नवाब हूं, बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटियों बराबर के घर में कौन रहता किसी को पता ही नहीं कौन आया कौन चला गया। ये जो एक फैमिली सिस्टम हुआ करता था वॉल सिटी के अंदर मोहल्लों में कस्बों में मैं समझता हूं उसमें ये कबाहतें नहीं थी जी। हमें जागना है, ये पैसा वैसा जिंदगी की जरूरतों के लिए हक है बंदे का जी। हर ह्यूमन बींग का उसमें जिस जिस भी अल्लाह मियां ने भी तो जमीन पे जो बना के भेजे थे सब उनके स्टेटस बना को कुरैश था कोई फला था कोई फला था तो ये तो रब की बात है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते।
आपके मुकद्दर आपके नसीब में जो लिखा हुआ है वो बीइंग ए मुस्लिम हमारे बिलीव्स हैं कि वो हमें मिलना है, लेकिन वो कैसे, मैंने चोरी करके किसी का उठा के लेना है या मैंने अपनी मेहनत से, मिलेगा मुझे? मिलेगा। आपके अमल जो है ना वो नहीं है, हम सिर्फ ऐसे जबानी जमा खर्च जो है ना उस पे गिमिक्स पे सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। ख्वाबों में, ख्वाब जो है वो दुनिया में सबसे आसान है, बिकते हैं हर जगह, बिक रहे हैं दुनिया में ख्वाब, आंख खुलती है तो पता लगता है ये तो ख्वाब। अगर आप देख रहे हो तो उसकी ताबीर खुद निकालनी है आपको, आपको फिजिकल इंप्लीमेंट से, फिजिकल इंप्लीमेंट्स की बात करें तो 72 बरस से मैंने तो अपने मुल्क में जो जो हुकूमतें आती हैं ये करेंगे वो करेंगे, फिजिकल इंप्लीमेंट्स है या कोई नहीं? अपने अपने सर्वाइवल के गिमिक्स करते हो और उसके बाद चले जाते हो, फिर कोई और आता है वो आता है उसके शुरू। हमें, मेरा दीन जो है, मेरा रिलीजन जो है वो अमल से रिलेटेड है। मेरे रब ने हमारे नबी को 40 बरस कहा कि मैं बना के पहले से रखा हुआ था कि तू या नबी आखिर जमा है। 40 बरस उनका अमल मुशरिकीन ने, दुनिया ने देखा, और उसने अभी नबुवत नहीं मिली, पूछा कि मैं अगर ये कहूं कि इधर फलाएं तो उन्होंने कहा मान ले। फिजिकल इंप्लीमेंट्स, जबानी जमा खर्च नहीं, ये मुजाकरे रोज हम चैनलों पे बैठे हुए, ये वो उधर कहता है, वो एक सवाल करता है वो जवाब देता है और बाद में जाके सारे इकट्ठे बैठ के कॉफी और पेस्ट्रियां खा रहे। कुछ फिजिकल इंप्लीमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, हमें अमल से, हम ये जो जो जो, जो कर रहे हैं, ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स या सिर्फ डॉक्टर नूर साहब का, फौजिया का, असद साहब का, मेरा या जो और वॉलंटियर इस हवाले से उस रब की रजाओं के लिए जिंदगी में निकले, ये सिर्फ हमारे फराइज में नहीं है, को हम इब्ने मरियम नहीं है, हम भी इसी मुआशरे इसी सेटअप के लोग हैं, लेकिन हम अपनी उस अपने अंदर अपने जमीर उसके हवाले से ये सारा कुछ कर रही है, हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं है। असद साहब क्या ये आप कर रहे हैं तो ये आप अपने रब को भी राजी कर रहे हैं, आपके जमीर को मुतमिन कर रहे हैं, और आप अपनी वो ड्यूटी दे रहे हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे अपने बच्चों को ये सिखाना है सारा कुछ, तो सो फिजिकल इंप्लीमेंट्स उसके लिए ये करें। मेरी वालिदैन से दरखास्त है कि ये पैसे वैसे दौड़ो यार उसके पीछे भी, लेकिन अपने बच्चों से जुड़ के रहो, उनसे बाखबर रहो, कहां गया कहां, दो उसको पैसे, हर चीज दो, लेकिन उस पे इस कदर चेक एंड बैलेंस रखो कि वो नहीं, फिर जब वो इसका एडिक्शन में था तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली उसको फिर वो आपको छोड़ के चला जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे नामवर लोगों की औलादें जिनको देख के आता, अरे माशाल्लाह, पता लगा वो फला को 3 बरस में फुड़क गया, को 2 बरस में, को किधर गया, तो सो हमें फैक्ट्स बिलीवर होना है। ठीक हो गया, ये हम आदि हो गए शॉर्टकट्स के, वो मार देता है, वो जो है ना हमें वो आयत भूल गई है कि लैसन इंसान इल्ला मौसा, उस पे अगर अमल करें तो फिर तो कोशिश करेंगे तो काम सीधे होंगे। डॉक्टर साहब, जैसे डिप्रेशन एक अहम वो बीमारी बना दी गई है, हर कोई कहता है जी मैं डिप्रेशन में हूँ, ये जो एक नशा है इसके सुकून को जो फर्स्ट वो जो आप लेते हैं वो जो सुकून है उसको लेने के लिए दोबारा सारी जिंदगी आप इस नशे को लेते रहते हैं, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्या पहले पेरेंट्स को काउंसलिंग करना जरूरी है? क्योंकि अभी तक बात पेरेंट्स पे चल रही है, क्योंकि घर से आपको तरबियत मिलेगी फिर स्कूल में आएंगे, तो मैम क्या देख रही है इस चीज को? बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो डिप्रेशन है ये मजाक नहीं है, ये अगर आप एलोपैथी में कैंसर से बड़ी डिजीज है, क्योंकि डिप्रेशन छोटी सी बात नहीं, मार देता है, स्किज़ोफ्रेनिक भी जो है वो बेसिकली डिप्रेशन का मरीज होता है, तो ये इसको हम मजाक समझते हैं। और थोड़ा सा बच्चा अगर मेरा दूसरे बच्चों से थोड़ा सा कमजोर है या टाइम में आगे पीछे कर रहा है तो मुझे उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देना है। फिर वही बात आती है माँ बाप पे कि पहली दर्सगाह माँ बाप हैं, माँ बाप उस पर तवज्जो देंगे, टीचर ट्राइंगल है एक टीचर्स का, माँ बाप का और उसके क्लास फेलोज का कि किन लोगों में बैठता है। जैसे मैं अच्छे लोगों में बैठे उठूंगी तो अच्छी बातें दो और सीखूंगी, अगर आप ऐसे लोगों में बैठेंगे जिनका अपना कोई एम नहीं है, जो खुद ड्रग एडिक्ट्स हैं या ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो मैं भी एक दिन कहूंगी कि चलें एक दिन मैं चेक करके तो देखूं कैसा होता क्या। लेकिन ट्रेनिंग से देखें, जब आप अच्छी ट्रेनिंग कर देते हैं ना, मॉडल होते हैं पेरेंट्स, जैसे सर ने भी बताया, माँ बाप कुछ भी नहीं सिखाते, बच्चा खुद ही सीख रहा होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है जायनमाज बच्चा डालता है, नमाज पढ़ने लग जाता है अगर उसके पेरेंट्स पढ़ते थे उसके सामने। लेकिन मैंने अगर ये काम कभी किया नहीं और जो मैं खुद कर रहा हूँ और बच्चे से तवक्को रख, असल में हमने बच्चों को बना दिया नंबर इकट्ठे करने की मशीन, उसमें टीचर्स ने भी इसको बिजनेस बना लिया और हमारा वो मुल्क है जिसमें
एजुकेशन और से दो अलमिया है कि इन पे तवज्जो ना हुकूमत की है, ना पेरेंट्स की है, ना घर वालों की। कि मैं आपको कहूँ ना कि आप सीबीएसई का टेस्ट करा लें, या आपके लिए ये टेस्ट मैंने लिखा है सिर्फ 90 रुपए का है आप करा लें, वो नहीं कराएंगे। लेकिन गरीब से गरीब बंदा 90 रुपए का बैलेंस डाल के गप्पे लगा रहा है, पोरियरिटी नहीं पता। इस सोसाइटी को अवेयर करने की ये जरूरत है। सोसाइटी बड़ी अच्छी है, आप इन्हें कोई अच्छा लीडर मिलता है तो बड़ा अच्छा आपके। लेकिन मैम यहाँ पे फिर जैसे सर ने जिक्र किया इंफरादी तौर पे जिम्मेदारियां, जैसे सर की जिम्मेदारियां हैं, अच्छा साहब की है, मेरी है या आपकी, अगर हम तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू करें, क्योंकि आप या मेरे से ही एक मदर बनेगी, फादर, फिर आगे इसी तरह से सारी एक सोसाइटी बनती है। अगर हम जिम्मेदारियां ले लें तो आसानियां पैदा नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल होगी। मैं सिर्फ अपना काम करूं, मैं सिर्फ ओनली अपना हक अदा करूं, और चिड़िया की तरह जो एक चोंच भर पानी डाल के ये सोचती कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मैं पूरी आग तो नहीं बुझा सकती। लेकिन अगर हर इंसान अपना फर्ज पूरा करेगा तो आपकी सोसाइटी खुद बहुत में तब्दील हो जाएगी। जिस हवाले से आपने कहा, मेरी एक और अपना जरूरी नहीं, आप सारे इत्तेफाक करें उससे। जी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हाँ जी, सेकंडों में सिमट के आ गई, सदियां की सदियां, टिक 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 टिक, प्रिंट आउट निकला, 3 महीने मैंने वो इकट्ठे किए, 3 महीने बाद मैंने पंच किया और मेरा सेमेस्टर हो गया। अब्बा अगले 2.5 लाख की फीस के चक्कर में जी। वो बच्चा जो ये सारी डिग्रियां जिसको हम कि इसने ये मास्टर्स कर लिए, वो जब पहले दिन प्रैक्टिकल लाइफ में निकलता है तो पहला कदम जो होता है वो डिनाइल होता है। वो कहता है अब्बा भी बकवास करते रहे, झूठ बोलते थे, और जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आया वो भी फिजिकल इम्प्लीमेंट अमल। जब तक आपकी सराउंडिंग में सारी चीजें जो है अपनी अपनी जगह पे, सिर्फ सर्वाइवल गिमिक्स नहीं होंगे, मदारीपन नहीं होगा, फैक्ट्स की होंगी हर चीज, मेरा अमल होगा तो मेरा बच्चा सीखेगा ना। वो जब मुझे देख रहा है कि अब्बा दौड़ रहे, ब्लैक भी कर रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, तो वो इतने मरियम, वो हाजी लकलक का बेटा, कि वो जो मैं बीज रहा हूं मुझे वो काटना है, जो एक्ट मैं कर रहा हूं उसका रिएक्ट इस प्लेनेट पे डिसाइडेड है। वो दुनिया में, चाइना में अगर कोई कर रहा है, कोई अमेरिका में कर रहा है, वो मेरे रब ने डिसाइड कर दिया होगा मुझे। मैं अच्छा अमल करूंगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट अच्छे हो। जब मैं कर नहीं रहा तो मैं खा भी देख रहा हूं ना, करता चला जाओ, उसका कैसे मुआवजे नहीं होते हैं बेटा। ठीक हो गया सर, ये तमाम चीजें अमल है जो आप करेंगे आपके आगे आएगा, आपके बच्चों की सूरत में किसी ना किसी तरह वो आपके आगे आएगा, वो एक अलग चीज है। हमारे यहाँ एक खौफ की फजा है, ये जो एडिक्शन के हवाले, आप यूनिवर्सिटीज में जो बेचने आते हैं, पता नहीं सबको, सब जानते हैं, सबको पता है, आपको उनकी रिपोर्ट करनी है। अपने मोहल्लों में जो बेच रहे हैं एडिक्शन, सबकी, ये आपके फराइज में शामिल, ये हुकूमत ही के नहीं है, या पुलिस के जी, वो पुलिस है नहीं पकड़े, आपको उनकी रिपोर्ट करनी है मुतल्लिका इदारों को, और डरना नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप महफूज है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा सर, आप इंतजामिया की बात की है ना, कि अगर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ये कोई आ रहा है या आपका स्टूडेंट ही दे रहा है एक दूसरे को, आपको इल्म है, आपको चेक करने वाला कोई नहीं, अगर सर इंतजामिया भी इन्वॉल्व हो, होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उसके बगैर हो नहीं सकता, यूनिवर्सिटी में तो अलाउ नहीं होती स्मोकिंग, लेकिन यूनिवर्सिटी से फौरन बाहर एक छोटी सी शॉप जिसे खोखा कहा जाता है, घुस बैठिए, घुस बैठिए, पढ़े लिखे ये जो इस तरह के वहां हर जगह पे होते, उन लोगों के लिए पैसा किसी भी शक्ल में आए, वो उनको उनका हिस्सा अगर मिल रहा है तो सर अपॉर्चुनिस्टिक है ना, जैसे नूसर चेक होना चाहिए। ठीक हो गया, ये कैसे मुमकिन है कि यूनिवर्सिटीज में बिक रही है और पता नहीं सर, जानते हैं, ठीक हो गया। अच्छा सब आप भी प्लीज इस बारे में जरूर हमें बताइएगा कि इंतजामिया की बात चल रही है, यूनिवर्सिटी की चल रही है, स्टूडेंट्स की चल रही है बात, तो क्या किया जाए अगर इंतजामिया भी इन्वॉल्व है? फिर तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में या इस स्कूल में या इस सेक्टर में या इंस्टीट्यूट में ये काम हो रहा है, फिर आप नाम के पीछे क्यों अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं? आप इतनी फी भी दे रहे हैं, सिर्फ एक ब्रांड कॉन्शियस हो गए कि फलां स्कूल से पढ़ा हुआ मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, तो फिर हम जाहिर खुद ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना अपने बच्चों की जान देके। राइट, बेसिकली जहां तक बात है ना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब उसके बारे में ये कहूंगा कि हम हर यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कह सकते जी ये यूनिवर्सिटी नहीं है, प्रोवाइड करती है, बहुत सारे नाम है इस तरह के। और जो आपने बात की ना कि बच्चों के लिए उन्होंने एक स्पेशल, मतलब अब उन्होंने स्मोकिंग को एक्नॉलेज किया,
एक्नॉलेज करने का क्या मतलब है, उन्होंने एक कॉर्नर दे दिया कि भाई ये जगह है, यहाँ पे जाके तुम लोग स्मोकिंग करो, ठीक है हम इसको एक्नॉलेज करते हैं कि इसके बगैर तुम लोग की क्लास नहीं ली जाती, तुम्हारे सर में दर्द होता है, ये इस तरह से चीजें। अब बेसिकली बात फिर वही है कि अगर हम बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज प्रोवाइड करेंगे और वो कैसे करेंगे, खुद दिखा के। मैं आपको बताता हूँ, ये जब लॉकडाउन की सिचुएशन स्टार्ट हुई मैंने बुक रीडिंग तेज कर दी। मैं पहले भी बुक रीडिंग करता था, जैसे ही मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की तो मैंने देखा कि मेरी बेटी भी अपनी किताबें उठा के लिया। मैंने देखा कि उसके बाद बेटे ने भी किताबें उठा ली कि उन्होंने कहा कि ये कर, और अगर मैं गेम्स खेलूंगा मोबाइल पे तो मेरे बच्चे भी गेम्स खेलेंगे। अब देखिए ना, अगर एक बाप अपने बेटे को कह रहा है बेटा माचिस लेके आ, या फिर उसको छोटा बच्चा उसको डब्बी दे के कहता है इनके नाल दी सिगरेट लेके आ, तो वो बच्चा जो है मतलब देखे ना वो ये तो ये कहेगा कि मेरे पापा ने मंगवाई है, अब तो वैसे भी 18 ईयर से कम को नहीं देते। तो अगर ये चीज होगी, बाप जो है बेटे से एस्ट्रे मंगवा रहा है, तो फिर वो बेटा भी कल को यही कुछ करेगा। ऐसे ही ठीक हो गया। तो ये सर फिर बात वही प्रैक्टिकल अमल की, आगे घूम फिर के घर में जो काम किया जाएगा वही आपके सामने आएगा, जो आप करेंगे। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, जब आप रहम दिल होंगे दूसरों के लिए तो आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो पहले आपको रोल मॉडल बनना है, उसके बाद हम लोग बहुत से लोगों को, सर रोल मॉडल की बात आई है तो मैं ये इस बात को भी इसमें ऐड करना चाहूंगी, हम लोग टीवी देखते हैं ना, आप तमाम लोग हमारे रोल मॉडल होते हैं, हम देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग बड़ा आइडियलाइज करते हैं बच्चे नए यूथ। सर माजरत के साथ जो नए लोग इंडस्ट्री में आए उन्होंने भी इस चीज को फैशन बना लिया, बहुत सी खवातीन ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, उन्हें लगा ये ट्रेंड है, ये फैशन है, जरूरी करार दे दिया गया कि अगर आप फैशन इंडस्ट्री में है या किसी भी शोबिज में, माजरत के साथ सर मैं नए लोगों की बात कर रही हूँ, तो सर इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो बेटा, जब हमारे मीडिया पे यलगार हुई हमारे पड़ोस की जी, इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन ने इजाद किया था, उनके यहाँ पैरेलल थिएटर आर्ट मूवीज कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जी। एक दूरदर्शन होता था जिसपे फिके फिके गाने यू घुमाते थे हम, वो अपनी उनको तो फिर उसको सेंटर करके थे, ये उन्होंने हमसे सीखा। ठीक है, मुसीबत यह है कि जब आप अपने रूट्स, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी अकदार और अपनी जमीन से डिनाइल करके को ख्वाबों में उड़ने की कोशिश करते हो, बर्बादियां तब शुरू होती हैं। सिखाया हमने सारा कुछ, उसके बाद हमारा अपना टेलीविजन जो है आज उसको अर्तुगरुल गाजी चलाने की जरूरत पड़ रही है, तुर्की का ड्रामा, अरे करोड़ों अरबों रुपए जो मेरे इस इंस्टीट्यूट पे इन्वेस्ट हुए थे वो इसलिए हुआ था कि हम फॉरेन कॉन्टेंट्स चलाएंगे। फॉरेन कॉन्टेंट्स आप अगर यहां चला रहे हो तो जो फिर दूसरे चैनलों पे चल रहा था उसको क्यों बंद कर दिया आप? चलने दो, अमल नहीं है, फिजिकल इंप्लीमेंट्स नहीं है, जमानी है। अब हम अर्तुगरुल गाजी जो है उस ड्रामे से हम अपनी अकदार जो है अपना रिलीजन वो सीखेंगे। हमारे मुल्क में हमारे ड्रामे में शाहीन बना जी। हमारे जिस कैफियत से, जिस इब्तला से, जिस आफ्टर इफेक्ट से हम मुस्लिम गुजर रहे हैं उसकी वजह के ड्रामे दिखाओ, हमें ये ना दिखाओ कि हम फला 1903 में हमने ये या 14वीं सदी में हमने ये हो गया। लम्हे मौजूद जो है उसको कंसिडर करना है आपको अपनी अकदार क्या। हम ये कुछ हमारे यहाँ कॉलोफेल में तजाद है। अब ये जो ड्रामा आप मुझे आप मुस्तकिल देखते हैं, अब मैं ज्यादा खबरनामों में और मुजाकरों में और इसमें ज्यादा हूँ, ड्रामों में कम होती, उसकी वजह बेटा ये है कि मेरे इल्म में तो ये था जब औरतों का वो खलील का और वो मारवी सरमत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसमें मैंने कहा था कि ये औरत की इज्जत इज्जत इज्जत, अरे मेरे रब ने भी ये मुस्लिम मेरे बिलीव है कि उसने हमारी जन्नत जो है जो सबसे बड़ा टारगेट है मुसलमान का कि मुझे वो औरत के कदमों में रख दी, उसके बाद औरत को और क्या उसको चाहिए ये सारा कुछ। तो अब जो ड्रामा हमारे यहाँ चल रहा है, लिख भी औरतें ही रही है, कोई मुझे ड्रामा जो इस वक्त ऑन एयर उसमें दिखा दे जिसमें वो अखदार या वो जो प्रिविलेजेस मेरे रिलीजन ने खवातीन को दे रखी है, ऑस्कर अवार्ड आता है तो तेजाब गर्दी पे लेके आती है शर्मैन उबैद चनाए, 22 करोड़ में 25 तेजाब गर्दियां हो गई, बाकी जो करोड़ों कि वो इंसेंटिव जो मेरे रिलीजन ने मेरी माँ बहन बेटी को उस पर भी तो बना के लेके जाना बीबी वहां से जी। मेरे रिलीजन सुकम मेरी पाकिस्तानियत पे जरा भर कोई जर्ब लगा के आएगा तो उसको फॉरेन फंडिंग के भी
अंबार मिलेंगे उसको दुनिया का हर अवार्ड भी मिल जाएगा। अपनी जमीन की बात करें। अच्छा सर, आपने जो उन्मान बताए जिस पे आजकल जिस टॉपिक पे हमारे यहाँ ड्रामे बन रहे हैं, उनमें एक चीज ये भी ऐड कर दी है, बहनों का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, बड़ी बहन छोटी बहन, लेकिन आजकल दिखाया जा रहा है कि आप अपनी बहन के हस्बैंड के साथ कैसे करेंगे। यही तो बर्बादी है, बुरा टॉपिक है। मैं बता नहीं सकती कि एक खूबसूरत बहनों के रिश्ते को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारे आने वाले जो लोग हैं या हमारे बाद जो आएंगे, जो हमारे साथ हैं, वो लोग क्या सीखेंगे। उनके मतलब है कि एक नॉर्मल चीज है, सर्वाइवल गिमिक्स है सर, इकोनॉमिकल इंसेंटिव। बिल्कुल सर, वो लेविशनेस का रिश्ते कहाँ गए, रिश्ते बिश्ते कुछ नहीं है। बिल्कुल अमल जो के वो नहीं है हर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे भी आप बात करेंगे मौजू का जो इख्तिताम है वो इसी बात पे होगा कि अमल करना बहुत जरूरी है। हमने बहुत जैसे कि कोरोना से रिलेटेड सर बहुत अवेयरनेस दी, चार माह से हम दे रहे हैं, हमने बताया कि साबुन से हाथ धोने हैं, हैंड सैनिटाइजर अगर आपके पास है तो उसे यूज कीजिए, मास्क इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमने नहीं किया, सिर्फ हमने सुना और सिर्फ सुनते रहे। हमें लगा सिर्फ ये फर्ज है टीवी वालों का या सोशल मीडिया वालों का या एक्टर का एक्ट्रेसेस का या बहुत से डिपार्टमेंट के लोग जो अवेयरनेस दे रहे थे। अब जब जुर्माने आयद किए गए हमें मास्क पहना इस्तेमाल कर दिया, अब हम प्रैक्टिकल में आ गए। इसका ये मतलब है कि हमें गर्दन हम से बड़ा जाएगा नहीं मानते हैं, रखे डंडे बाज रखे, फिजिकल इंप्लीमेंट्स तब होंगी जब हम जबरदस्ती करें। इस नेशन को इस कदर हम बिगड़ चुके हुए हैं मिनहसुल कौम कि हम हर चीज अपने कवानीन भी अपनी मर्जी से बना के घर से निकलते। हमें सख्त आदमी चाहिए, हर शोभ पे वो आदमी बिठाए जो पहले जिस क्या, हाँ यार ये तो खुद अमल कर रहा है, तब मानेंगे ये जबानी जमा खर्च ठीक हो गया। हमारे से माहिर नफ्सियात मैम भी मौजूद है। मैम, मिजाज मूड का खराब हो जाना जो कि कॉमन चीज है कि जी मेरा मूड खराब है, नशा क्विकली उसको ठीक करता है, क्या मूड का खराब हो जाना, लड़ाई झगड़ा घर में ये प्रॉब्लम्स जो होती है, इसे छुटकारा हासिल करने के लिए भी लोग इसको अडॉप्ट करते हैं या नहीं? करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, ये तो है अलमिया के, जैसे आपको पता है कि बच्चे को उन्होंने पहले ही कहा जब हम एक्स्ट्रा कोई मनी देंगे तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदेगा, लेकिन जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं वो कैसे ये नशा खरीद सकेगा जी। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा मूड को बेहतर करने के लिए जरूरी नहीं कोई अच्छा ड्रामा भी देखा जा सकता है, मूड को बेहतर करने के लिए अच्छी कोई बुक पढ़ी जा सकती है, जैसे सर कह रहे हैं मैंने बुक पढ़नी शुरू की तो उनकी बेटी ने शुरू की, देखिए मॉडलिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर अगर मूड को बेहतर करेंगे मैं कहीं बाहर वॉक कर सकता हूँ, पौधे लगा सकता हूँ, पेंटिंग कर सकता हूँ, हजारों हैं। ये सिर्फ नशे का एक है खुलिया है। एक बहाना कि मुझे चूंकि नशे से सुकून मिलता है लिहाजा मैं नशे से वो जो है ना सुकून हासिल करता हूँ। चाय आप पी सकते हैं किसी हद तक बेहतर है आपको, लेकिन यही है कि किसी को भी नशा छुड़वाने के लिए ना कम अज कम उसको कम करने के लिए भी 6 माह चाहिए, कम अज कम बिल्कुल, क्योंकि उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आप ग्रेजुअली उसे उसके कोई इंसेंटिव देंगे उसके अगेंस्ट में कि अगर वो नशा लेता था तो इस टाइम उसकी केयरिंग करें, फिर उसको उस टाइम कोई कॉफी चाय या ऐसा कोई आदि बनाएं ताकि वो उसके अगेंस्ट में, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके वो अगर उसकी बॉडी का हिस्सा बन चुका है, टेस्ट में आ चुका है, टेस्ट में जहर तब आता है जब आप बहुत ज्यादा आदि हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं एकदम से टेस्टिंग में भी। डॉक्टर साहब, साइंस के मुताबिक अब जो आके रिसर्च आई है उसमें ये भी बताया गया है कि एक भी डोज आप किसी भी नशे की लेते हैं, समटाइम लोग कहते हैं ना कि ट्राई कर लो, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप यूज टू हो जाना इसका, ये तो मैंने तो बस ट्राई किया था, उसके बाद एक डोज लेने के बाद वो किसी किस्म का भी नशा हो सकता है, आपका जो ब्रेन है उस पे असर होता है। अब ये भी आ गया है रिसर्च, ये नहीं कि आप यूज टू होंगे तो ही साइड इफेक्ट आप पे आएंगे। अच्छा, इसमें पहले तो मैं 2-3 बातें जो है वो ऐड कर दूं जो इस दौरान में डिस्कशन हो रही थी। आपने वालदैन के हवाले से बात की, डॉक्टर साहब बता रही थी उसके हवाले से साइकोथेरेपी, साइको एजुकेशन, यानी इसका जो टेक्निकल चीजें है ना, हाँ जी, वो ये है कि आपको साइकोथेरेपी भी करनी है और साथ साथ साइको एजुकेशन करनी है। आपने पेरेंट्स की साइको एजुकेशन करनी है और उस बंदे का ट्रीटमेंट करना है, यानी थेरेपी करनी है उस बंदे की जो कि बीमार है, तभी वो बंदा भी ठीक होगा और घर वाले भी जो है ना उस चीज की एक्सेप्टेबिलिटीज आएंगी। हम स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। ये जो आपने थोड़ी देर पहले वालदैन के हवाले से सवाल किया था उसके जवाब में, तो मैं रिसर्च की तरफ आता हूँ डेफिनेटली। कि जो आप दूसरी चीज जो आप अभी बात कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से, उसमें यह है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रग्स, यू नो, एक तो हमारे पास स्टिमुलेंट्स हैं जी, ज्यादातर जो हमारे बच्चे हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो जो आपने बात की कि एक डोज लें तो उसका भी वही इफेक्ट आता है। बेसिकली देयर आर 2 थिंग्स, वन इज प्लेयर, अदर इज हैप्पीनेस। प्लेयर क्या है,
बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। जब आपने ड्रग ले ली, सब्सटेंस ले लिया, आप एकदम हाई हो गए, आप बड़े खुश हो गए आप इस तरीके से, क्योंकि उसने जाके डोपामिन के ऊपर जो इफेक्ट किया और उससे आपके प्लेयर आना शुरू हो गया, आपने खुश, थोड़े अरसे के बाद वो सबसाइड हो गया। दूसरी तरफ है हैप्पीनेस। अच्छा, हम जो भी इस वक्त करते हैं ना, हमारा ज़्यादातर काम जो है ना वो शॉर्ट टाइम प्लेयर हासिल करने के लिए होता है कि हमने ये करना है, ओ लोग खुश होंगे, मैं खुश होऊंगा, फर्स्ट आ गया और एकदम से खुश हुए कि घर चीजों के साथ हमने वो कर वो दिया। प्लेयर जो है ना वो आपने हासिल किया, आपका जो रिवार्ड सर्किट है उसने उसको उस तरीके से लिया। ठीक है, आपने किसी चीज को ये नहीं सोचा, आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट नहीं किए कि मैंने कल को डॉक्टर बनना है। अगर ये गोल आपने सेट किया होता, आपने शॉर्ट टर्म गोल तो कर लिया कि मैंने फर्स्ट आना है। माँ बाप भी बच्चे को यही कह रहे हैं कि तुम फर्स्ट आओगे तुम्हें मैं ये चीज लेके दूंगा। ठीक है, वो चीज जो है ना वो उसको प्लेयर दे रही है जी। उसको वो चीज नहीं सिखाई कि तुमने पढ़ना है, तुम्हारे अच्छे नंबर होंगे और तुम डॉक्टर बनो। डिग्री के लिए तरबियत नहीं है ना, तरबियत नहीं है। आपने हैप्पीनेस की बात की है, हैप्पीनेस हमने जोड़ दी कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए तो मैं खुश होंगी, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, जबकि हैप्पीनेस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके साथ वो लिंक करते हैं। बड़ी गाड़ी की आप बात करें ना, वो आपको प्लेयर देगा, टेम्परेरी जी, कुछ टाइम के लिए। गलत है पहले। अच्छा हाँ, बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ। हैप्पीनेस आपको तब होती है जब आपने कोई ऐसा गोल रखा हो कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने एक अच्छी एंकर बनना है, मैंने फलां फलां जगह जाके जो है ना काम करने। ठीक है, उस वक्त आपको जब वो आप अचीव कर लेते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे रही होती है। ठीक हो गया डॉक्टर, ही इज हैप्पी एंड कंटेंट, इन्होंने लाइफ सारी गुजारी। जो सवाल आपने नूर साहब से डॉक्टर साहब से किया उसका मैं अपनी मिसाल देता हूँ। आप जिंदगी में जब एक प्रैक्टिकल उस सफर पे उस अपने टारगेट के लिए निकलते हो, पहले सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे यहाँ अलमिया है कि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ दुनिया पे आटा खाने आए हुए कि मेरे पास ज्यादा पैसे हो मैं मर्जी का आटा खाऊं। रब ने कंटेंट्स जो है ना इंसान के वो सबके एक जैसे रखे हुए। डॉक्टर साहब किसी में कोई फर्क तो नहीं जी, लेकिन हर फर्द के अंदर उसने एक छोटा सा राज भी रखा हुआ है। वो जो कंटेंट्स हैं, जो आवाज उसने जो आपको दिए हुए, उसके साथ एक राज भी रखा। वो राज जो है वो जिसके अंदर रखा उसे खुद डिस्कवर करना है, उसके लिए कोई उम्र का भी नहीं है कि शऊर आपको। बच्चा जो है वो बाशऊर हो जाता है 10 साल में और बाद 110 साल के भी होकर गूफ के गूफ मर जाते। जो बंदा उसको अपने उस डिस्कवरी कर लेता है कि मेरे रब ने मेरे कॉन्टेंट्स में एस्थेटिक्स रखी है, क्या मुझे क्या मैं ये कर सकता हूँ, जो वो डिस्कवर कर लेता वो फिर भटकता नहीं है बेटा। ठीक है, उसका एक सिनेरियो बन जाता है, वो उसमें एक हुस्न रफ्तार भी रखता है, हुस्न अकदार भी रखता है और फिर अपने टारगेट पे चलता है बिल्कुल अनड्यू तेजियन। हमारी मुसीबत ये है कि हमारे ये जो इकोनॉमिकल दौड़ ने बड़ों बड़ों को उनके बच्चों को भी उसी तेजियों में शामिल कर दिया। वो फौरन ख्वाब देख रहा है कि अब्बा ने ये, मैं अब्बा से पता नहीं क्या करूं, और अब्बा तक पहुंचने से पहले पहले वो बेचारा पैकअप हो गया होता उसमें। इसी तरीके से जो सब्सटेंसेस है ना आपको, वो आपको सिर्फ प्लेयर दे रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा, उल्टा वो आपके सिस्टम को रुइन कर रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ब्रेन की सारी साख ही चेंज हो रही है और वो इरिवर्सिबल है, उसने ठीक नहीं होना। ठीक हो गया, इसलिए हम कहते हैं ना कि एक बंदा जो ड्रग्स लेता है वो कभी भी उसको हम ठीक नहीं कह सकते कि वो रिकवर यानी ट्रीटमेंट हो गया उसका, नॉट एट ऑल। ही और शी हैज टू लिव। क्रॉनिक डिजीज है, रिलैप्सिंग डिजीज है और कंपल्सिव बिहेवियर है। जब उसके बगैर नहीं रह सकता, उसने जुर्म भी करने, उसने कोई ऐसी चीज भी कर देनी है जो कि अपने माँ बाप के उसकी तफरीक खत्म हो जाएगी। और ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये जो आजकल के ड्रामों में दिखाया जा रहा है, दैट इज ऑल विच इज अगेन वो जो हमारा डोपामिन वाला सिलसिला है ना, हम वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम उसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि हमने किसी भी तरीके से हैप्पीनेस या सुकून लेना है, वो चीज हमारे में खत्म होगी। बात करता हूँ, एडिशन करूंगा कि हम लोगों का जो एक डायलेमा है ना, वो ये भी है कि हमने हैप्पीनेस को फ्यूचर इंडेफिनेट में डाल दिया। ठीक है, कि अगर ये हो, और फिर हमने उसको कंडीशनल कर दिया। इंग्लिश का मैं टीचर हूं तो इंग्लिश के हवाले से बात करूंगा। इफ ए हैपेंस
आई विल बी हैप्पी। और वो उसको हम फ्यूचर में फेंकते जा रहे हैं, फेंकते दो साल बाद, एक साल बाद, बस ये काम हो जाए, बच्चे जवान हो जाए, सब सुकून है, बच्चे पढ़ लिख जाए, सब सुकून है ये, और करते करते हम मौत तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो हैप्पीनेस जो है, मैं कहूंगा हैप्पीनेस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको एंजॉय करें, आपका लम्हा मौजूद जो है साहब, उसके उससे सारा स्कैनर वो है आपका। बिल्कुल, ये हो जाएगा, हो जाएगा, अरे कब हो जाएगा, कब मैं हूंगा कि नहीं हूंगा, जो आपने बात की वहां पे, मैं ये बात भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट आते हैं, क्या कभी किसी ने आके आपके सामने ये कहा कि हाँ मैं एडिक्टेड हूँ और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ? एडिक्शन की बात की कुछ लोगों ने, मतलब एडिक्शन जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, कुछ लोगों ने एडिक्शन की बात की, खासतौर पर स्मोकिंग के लिए। अब होता ये है कि टीचर को पता चल जाता है, एक जो स्मोकर होता है उसके चेहरे के तासुरात, और फिर मैं जब क्लास लेता हूँ 3 घंटे की, 1 घंटे के बाद कुछ लोग बेचैन होना शुरू हो जाते हैं, उससे पता चल जाता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। और फिर जो स्मोकर होगा, आपको उसके हाथ से भी बू आएगी, आपको उसके कपड़ों से भी वो एक स्मेल जो है वो आएगी, पता चल जाता है। तो इस मौजू पे मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की, और फिर मतलब मैंने उनको ये कहा कि भाई देखें, आपके सामने आपका फ्यूचर है, अगर आप प्रेजेंट में इस प्लेजर को सिर्फ एंजॉय करना चाह रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि दूरदर्श इसके नतीज क्या होंगे। और फिर जो सिगरेट के ऊपर आजकल आपने देखा होगा डब्बी के ऊपर तस्वीर बनाई होती है, एक दफा मैं एक जगह ना खोखे पे चाय पी रहा था, तो वो एक बंदा था, उसने जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली, तो मैंने कहा यार ये ऊपर तस्वीर बनी हुई है, आप देख नहीं सकते। एग्जैक्टली, तो मैंने तस्वीर बनी उसको, मैंने कहा यार ये क्या, उसने जनाब एक तो बुरा भला कहा उस तस्वीर को, कहता जी ये गल्ला बनिया ने, मैं 30 साल तो पी रहे हैं, मैनू कुछ नहीं हुआ। जब तक हम ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे कि मैं एक काम फखर से बता रहा हूँ कि मैं 30 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर माइंडसेट की आपने बात की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुकाबले के एग्जाम देने हो या कोई भी हाई लेवल के कोई एग्जाम्स हो, तो उनमें उनको उनका माइंडसेट कर दिया गया है उनके सीनियर्स ने या बहुत से टीचर्स ने कि अगर आप इनको लेते हैं कोई भी किसी किस्म का जो नाकिस अद्वियात है, तो आपको जो चीज याद की जाती है वो माइंड में रह जाती है। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से भी लेते हैं क्योंकि उन्हें पास ये जो बने हुए इंटेलेक्चुअल हैं जो है नहीं, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, ये उन्होंने राइज की है इस मुल्क में। इंटेलेक्चुअल जो होता है उसके यहाँ ये जो हार्ड डिस्क रब ने दी हुई है उसका सारा कुछ उसके अंदर होता है, उसका उगता नहीं है कोई अचानक, उसके अंदर हर चीज फील्ड होती है, वो उसने पूरी अपनी जिंदगी की रहतल से अपनी उस टेनोर में उसमें कैलकुलेट करके रखी होती है, और वो किसी से पूछने के, ये वो जो बने हुए इंटेलेक्चुअल ना हुलिया बना लिया, बाल लंबे कर लिए, कुर्ता बना लिया, और ये उनका है, ये फैक्ट्स नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं है। अच्छा साहब जी, मैं एडिशन ये करना चाहूंगा कि मैंने एक दफा 24 घंटे की मुसलसल क्लास पढ़ाई, रिकॉर्ड बनाया 24 घंटे की क्लास का, तो उस क्लास को स्पॉन्सर करने में जो लोग थे उसमें एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी भी थी। अब जब मैंने 12 घंटे की क्लास पढ़ा ली, 60 स्टूडेंट्स थे एक्टिवली, मैं 24 घंटे खड़ा रहा, क्लास मैंने पूरी पढ़ाई, उसको इतनी एक्नॉलेजमेंट तो नहीं मिली मीडिया पे या किसी हलके में रिकॉर्ड के तौर पे, अच्छे काम की नहीं मिलती है, लेकिन आप करते रहिए, आप करते रहिए, आप अपनी रब की रजाओं के लिए करते रहिए। सब ले भी नहीं सकते इंसान की, क्योंकि 40 मिनट्स के बाद आपके बच्चे, लेकिन डिजाइन ऐसा किया। अच्छा वो हुआ ये जो मैं बता रहा था कि 16 घंटे की जब क्लास गुजर गई तो वो एनर्जी ड्रिंक क्योंकि कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ था मेरे पास आया। अब मैंने सोचा 16 घंटे बाकी टाइम अभी रहता है, 8 घंटे, अगर मैं ये पी लूं मैं ताकत में आ जाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि अगर आज मैंने ये पी लिया तो इसके बाद जब भी मुझे जरूरत होगी मैं कहूंगा जी मैंने यही पीना है, उसी की वजह से हुआ। मैंने वो एनर्जी ड्रिंक अपने टेबल में रख दिया, रोस्टम पे मैं खड़ा था उसमें रख दिया, पिया नहीं, उसके बगैर मैंने 24 घंटे की क्लास पढ़ाई। और फिर पता है क्या होता है, ये हमारे हैं फॉल्स बिलीफ, जो फॉल्स बिलीफ हम लोगों ने बनाए हुए हैं। अगर मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मेरे सर में दर्द होगी, कि मेरे सर की दर्द का इलाज ये फलां टैबलेट है, अगर मैंने ये ना ली तो मेरा सर दर्द ठीक नहीं होगा, ये हमारे सारे के सारे फॉल्स बिलीफ। अच्छा सर, मुसीबत ये है कि हम इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना कि यार ये फलां है ये, अरे ये सारा कुछ करने की बजाय मैं उसे डिप्रेशन या उसमें किसी स्नबिंग एटीट्यूड में जाने की बजाय मैं उसे तहरीक क्यों नहीं बना। मैंने सारी जिंदगी ऐसे किया जी, हमने तो मेरा सफर तो है पीटीवी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, रेडियो से शुरू हुआ हमारे सामने ये टेलीविजन बना सा, तो उसमें ये है कि मैं सबसे ज्यादा ममनून जिंदगी में उन दुश्मनों का हूँ जो मुझे टॉर्चर देना चाहते थे, टॉर्चर देना चाहते थे। तो मेरे जो है वो तो मेरी वेलवेट। आज की बात यही से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एसएस साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद और सर यही से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। अभी ब्रेक के बाद बड़े जबरदस्त सिंगर ने ज्वाइन किया, मैं वेलकम करना चाहूंगी इमरान हाशमी का। खुशामदीद इमरान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू कोहिनूर टीवी जो हमेशा की तरह आर्टिस्टों को बुलाते ही नहीं बल्कि डिफरेंट मौजू पे एक बहुत अच्छी एक लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं। जी बिल्कुल इमरान, आज आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम आपसे भी जो नशे का जो आज हमारा उन्वान है, मैंने शायद की रोकथाम के लिए जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेंगे। लेकिन सर, आप बात कर रहे थे जो चैनल्स पे या डिफरेंट सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट दे कर रहे हैं, उनके रोल के बारे में आप बात कर रहे थे। देखो बेटा, मेरा मुल्क इस वक्त चूंकि जितने चैनल हो गए हैं ना उतने मल्टीप्लाई हो गए, इंटेलेक्चुअल भी पैदा हो गए। जी, इनके हाथ में जो वो कार्ड पकड़े होते हैं ना एक ढेर, वो इनसे छीन लो या 10 मिनट मुझे ही बुला ले, मेरे साथ गुफ्तगू कर। जी, सेट लगे हुए इंटेलेक्चुअलिटी के। जी, विजुअल उस तरह का बना ली। अरे जिंदगी अमल से रिलेटेड है जी। आपको दाव लग गए, पर्ची माफिया जो है ना मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा वो मजे में है और वो ये हमेशा होता है और हर रूट पे होता है जी। आपको सच बोलने के लिए एक हिम्मत और एक वो पेशेंस चाहिए जी। आप वहां बैठे हुए, मुझे बात अपनी जमीन की करनी है जी, अपने लोगों की करनी है, अपने पाकिस्तान की करनी है और अपनी ह्यूमन साइकी की करनी है। कोई बर्ट्रेंड रसल की बातें कर रहा है, कोई उधर रशियन स्कॉलर की बातें, कोई चीको सलाह किया, कोई फला फला फला। अरे भरा पड़ा इंटेलेक्चुअल से मेरा मुल्क, ख्वाजा फरीद से लेकर शाह हुसैन तक। क्या बात, 6-6, 8-8 वॉल्यूम 16-16 वॉल्यूम पढ़ के वो आपको नहीं मिलेगा जो 4 मिसरों में वो दे देते। हमें मुसीबत की हमारे यहाँ एक है ना जी, सानू दूजे की बूढ़ी चंगी लगती है और ये 72 बरस से ऐसे ही देख रहे हैं। मोस्टली बेटा सेट लगे हुए, सेट लगे हुए और उस जिनके सेट लगे हुए कंटेंट्स वो नहीं है। आप में अगर कंटेंट्स हैं तो वो आपके अमल में दिखे, आपकी प्रोफाइल छुप। इस मुल्क में किसी का कुछ नहीं छुपा जी, सब खुली किताबें हैं, सबका पता है ये कौन इब्ने मरियम और कौन नहीं है। तो उसमें आपको अगर तो आप फैक्ट्स बिलीवर है, बींग ए मुस्लिम और बींग ए पाकिस्तानी, आप फैक्ट्स बिलीवर हैं तो आपकी हर बात जो है वो एहतसाब से रिलेटेड होगी। हम सारी जिंदगी दूसरों के तो ने अकीतों ने, हमें फर्दन फर्दन खुद एहतसाबी की जरूरत है। इर्तका के लिए सबसे बड़ा जेस्चर जो है वो खुद एहतसाबी है। हम वो नहीं कर रहे हैं, मैं दूसरे पे कांटे निकाल रहा हूँ, यही हमारे सियासत में भी, यही हमारे बिजनेसमैन में, यही हमारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं वही, और ये हमारी आम जिंदगी में सब ये कि फलां ये है तो मैं, अरे और हमें दूसरों को ठीक करना है, बस खुद हमें खुद है तो साबित की जरूरत। जी बिल्कुल इमरान, क्योंकि जिक्र हो रहा था यूथ इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है और ज्यादा मुतासरीन जो हैं वो यूथ है, 55% इजाफा हुआ है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की अगर बात की जाए, ये एग्जैक्ट नहीं है, कमोपेश 55%। तो क्या देख रहे हैं, आपके फील्ड में भी बहुत से लोग हैं, लोगों ने इसको एज अ फैशन ट्रेंड अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, क्या वाकई आपकी सिंगिंग पे बहुत ही अच्छा असर होता है या आपकी एक्टिंग पे बहुत अच्छा असर होता है इसको लेने के बाद? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ। अच्छा, इसमें आपके पेरेंट्स का बड़ा एक रोल है जी। मैं भी इस फील्ड में हूँ, मेरे भाई भी इस फील्ड में। हाँ जी। हम अक्सर कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में कॉन्सर्ट्स करते हैं, फैशन शोज पे परफॉर्म करते हैं। मुझे नहीं कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे ये लेना चाहिए, इससे मेरी सिंगिंग इम्प्रूव होगी, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, म्यूजिकोलॉजी, मैंने म्यूजिकोलॉजी के साथ मेरा ताल्लुक है। मैं अपने बच्चों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी ये करता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, किसी चीज़ का नशा है, तो आपको सिंगिंग का होना चाहिए। सिंगिंग का शौक इस शौक से बड़ा बेहतर है। आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने का शौक होना चाहिए, आपको नमाज पढ़ने का शौक होना चाहिए। ये शौक बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि जिन इंसानों में, जिन लोगों में नॉलेज कम है ना, वो इस तरह के शौक में आते हैं, आम सही इंसान नहीं आएगा इस फील्ड में जी। इमरान, ये परफॉर्मिंग आर्ट जो है उसकी सारी असनाफ जितने भी रूट्स हैं उसके जी, अरे ये काम तो है कि आपको जितने रब ने हवास अता किए वो उनको जगा के करना है। बिल्कुल, आप आंखें बंद करके सो के परफॉर्म करके इंटेलेक्चुअल बन के वो हो जाएगा कंसेंट्रेट। नो, ये ख्वाब है सारे के सारे बर्बादी।
बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी परफॉर्मेंस जब स्टेज पे हो रही होती है तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है और हमने एक दूसरे को देखते हुए इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। अगर मेरे कोई सीनियर ऐसा करे तो मुझे लगता है शायद इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इसलिए ज्यादा अच्छी है। जज सर को अगर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया है और अगर मुझे वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए तो मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग उसकी स्ट्रगल पे नहीं जाते, उनकी स्टोरी पे नहीं जाते। जब कोई कुछ बन जाता है हम सिर्फ वो देखते हैं और उस वक्त जो उनकी आदत होती है ना हम वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सर आपने बहुत से नशे की टाइप्स बता रहे थे जो डिफरेंट है, कुछ हार्ड नशा है, कोई सॉफ्ट है जो ले रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। सर अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ आए तो पहला स्टेप क्या होगा ट्रीटमेंट का? पहले तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना, हमारे घर में जो शख्स चुप बैठा है या बात ज्यादा नहीं कर रहा या खामोश है या अलग रहना ज्यादा पसंद कर रहा है, क्या वजूहत है, पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जी देखिए, इसके सबसे पहला स्टेप तो जो है ना वो स्क्रीनिंग है कि उसमें किस टाइप का वो नशा ले रहा है। यानी वो कहते हैं कि वन शू डजंट फिट ऑल वाली बात है कि उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि क्या उस वो कोई स्टिमुलेंट ले रहा है, डिप्रेसेंट ले रहा है, हेलुसिनोजेंस ले रहा है या ओपिएट्स वगैरह ले रहा है या ओपिएट्स ले रहा है, अकॉर्डिंगली पहले तो आप करते हैं, फिर आप उसको असेसमेंट करते हैं बराबर पूरी है। उस असेसमेंट का सिर्फ यही हिस्सा नहीं होता कि वो ड्रग्स क्या ले रहा है, वो देखते हैं कि घर वालों के साथ उनका एटीट्यूड क्या था जिसकी वजह से ये नशे में गया, पहली बात। दूसरा, जिन लोगों के साथ ये उठता बैठता है इस वक्त, क्या ये छोड़ भी सकता है या नहीं छोड़ सकता, ठीक है। जब ये भी देख लिया फिर देखते हैं कि लीगली तो इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में इसको कोई मसले तो नहीं आए, यानी असेसमेंट के वो 7-8 सारे सिलसिले हम देखते हैं, उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप उसका तैयार होना। याद रखिए कि जो साइकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, नशे का इलाज करने में हमें पूरी स्टेजेस ऑफ चेंजेस से गुजरना पड़ता है, एंड फर्स्ट स्टेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड दैट इज प्री कॉन्टेम्पलेशन। वो क्या है, उसमें यह है कि वो बंदा ये मान ही नहीं रहा कि मैं नशा करता हूँ, मुझे तो ये मसला ही नहीं है, डिनाइल फेज में है, एम्बिवलेंस उसके अंदर मौजूद है, शशोपंज में है, क्या मैं छोड़ दूँ, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे दोस्त छूट जाएंगे, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये। अब उसको वहाँ पे आके हम फिर बताते हैं कि तुम्हें उसके बेनिफिट्स को भी करो और साथ साथ उसके नुकसान देखो कि तुम अगर छोड़ोगे तो क्या होगा, और फिर उसके बाद तुम जो है ना वो रेडीनेस रूलर को सामने रखते हुए हम उसकी प्रिपेयरनेस देखते हैं, ठीक है। जब वो प्रिपेयर हो गया, अब आ गई कंटेम्पलेशन के नाउ आई एम रेडी एंड आई एम गोइंग टू लीव इट, उस वक्त फिर हम जाते हैं एक्शन स्टेजेस की तरफ। प्रेपरेशन में गुजरे, एक्शन स्टेजेस में आए जिसमें हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जो प्री कॉन्टेम्पलेशन की स्टेजेस है ना, सम टाइम हमें उनके घरों में 5-5, 6-6 बार भी चक्कर लगाना पड़ता है। हम कभी भी नहीं कहते कि वालदैन लेके आते हैं ना कि ये बच्चे मेरे को ठीक कर दें, हम कहते हैं नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, लेट्स कम टू योर हाउस। मेरी जो ये बैठी हुई है साइकोलॉजिस्ट, ये आपके घर जाएंगे, घर का माहौल देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, बच्चे के साथ बैठेंगे, बच्चा जिस वक्त तैयार हो गया और वो उंगली पकड़ के आने को तैयार है कि मैं ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन सर सबसे मुश्किल जो स्टेप है वो यही है उसको तैयार करना कि आप रेडी हो जाएं कि आपका ट्रीटमेंट होना है। अच्छा सर, यहाँ यहीं पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि दो तरह के हम बात इसके बारे में सुनते हैं कि जी एक बीमारी है, जैसे एक बीमारी लग जाती है सर तो उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, और कुछ लोग कहते हैं ये आदत है, लेकिन आदत भी तो छूट सकती है। सर पहले तो ये क्लियर करें क्या ये बीमारी है। नंबर वन, ये एक डिजीज है जी। मैंने पहले छोटी सी बात की लेकिन अब मैं उसकी डिटेल बता जी प्लीज। याद रखिए कि जिस तरीके से डायबिटीज की हम बात करते हैं या हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं, उसी तरीके से ये भी एक क्रॉनिक डिजीज है, ये दोबारा भी हो सकती है, विच इज रिलैप्सिंग वन, ठीक है। अब जो चीज रिलैप्स हो सकती है उसको हम छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है, हमें उसको ट्रीटमेंट करके देखें। सही। मेरे घर का बच्चा है, अगर वो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहा है, मैं बच्चे को घर से निकाल तो नहीं दूंगा, आई हैव टू लिव विद दैट, लेकिन मुझे साथ साथ ये चीज भी देखनी है कि बीइंग मदर, मैंने उसको या बाप होने के नाते उसको मैंने किस तरीके से उस चीज से दूर करना है। अगर हम यही सोचते रहेंगे ना आपके सिर्फ डॉक्टर करेगा, डॉक्टर विल नेवर डू इट, ये पूरे का पूरा जो है ना हमारे पास, हम इसीलिए हम कहते हैं नूर साहब ये उसी तरह है जैसे कोरोना में हम आदि हुए ना, जी जी, मास्क भी लग रहे हैं, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीकॉशन,
ये इसी तरह के एडिक्शन के जो लोग हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ प्रिकॉशन, सिर्फ उसे नहीं, उसकी पूरी फैमिली जहां वो रह रहा है उन सबको उसको मेंटेन करना है तो तब ठीक होगा। हम लेके गए हैं उसके डॉक्टर साहब, डॉक्टर होते जादू नाल ठीक कर देगा। अब आप देखिए जब राशिद भाई थे, यानी मैं आपने उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब हम लोग ज्यादा उस वक्त जो है ना वल्नरेबल सिचुएशन में थे, सारी लाहौर की फुटपाथ हिप्पी से भरी होती थी, चर्च वगैरह जो है आप मिल रही होती थी, वी हैव सीन दैट, हम लोग वहां से गुजरे, ठीक है ना। हमें लेकिन घर से जब निकल रहे होते थे ना, हमें ये बताया जाता था तुमने ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें ये बैठना नहीं, वहां जाना नहीं, बैठना नहीं है, इधर आना से गुजर रहे हैं तो खामोशी से गुजर जाए, अगर तुम्हें वो रोक रहे हैं हिप्पीज तुमने रुकना नहीं है, यू हैव टू एक्चुअली वॉक। और यही हम लोग करते थे, हमने उस जमाने में सिगरेट नहीं पिया, उस वक्त ये सारी चीजें ज्यादा आम थी, क्लब्स भी थे उस वक्त हमारे, यानी बचपन की बात मैं करूं यहाँ पे नाइट क्लब्स थे, लेकिन बच्चे हम ज्यादा वल्नरेबल थे। अब क्या किया लोगों ने, अब लोगों ने अपने आप को कन्फाइन कर लिया, घर में बंद कर दिया कि हमने इसको बाहर नहीं निकालना जी, माहौल खराब है, इधर ही घर में, आप उसको मुकाबला करने दें। मैं कई दफा कहता हूँ कि हम ब्रायलर बच्चे पैदा कर रहे हैं जिनको जो है ना हम बचाए रखे हर चीज से, और दूसरी तरफ जो है ना उनको हवा ही ना लगे किसी, ठीक है सर। उस शख्स की ट्रीटमेंट हमें जो फैमिलीज थी हमें डिनाई नहीं करने देते थे, अगर सपोज हमने कोई चीज अगर खा भी ली है ना तो हमारे से फैमिली माँ ने पूछना होता था बेटा बता दो तुमने क्या चीज ली है ऐसी जिसकी वजह से तुम्हें ये चीज हो रही है। नाउ वी आर नॉट डूइंग इट एंड दैट इज टू बी डन, वही अमल वाली बात सारी प्रैक्टिकली लेट नहीं रहे, अब्बा के पास टाइम नहीं है, अम्मा खुद कमर्शियल उसने बुतीक खोली हुई पता नहीं क्या कर, उसके पास ही वक्त नहीं जी। अब जो बच्चा है आपका उसको सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स की एफिलिएशन की जरूरत है, वो मैं उसे दे रहा हूँ, गाड़ी भी लेकर दे रहा हूँ, पैसे मांगता वो भी, तो वो कहाँ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं। अब हम बैकबोन की बात कर रहे थे, उनके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो अपने कैथार्सिस में उसको बर्बाद कर देंगे। ठीक हो गया सर, यही आपने एक पॉइंट हमें बताया कि ट्रीटमेंट सिर्फ एक शख्स का नहीं होगा, उसकी पूरी फैमिली का होगा जो उसके साथ रह रहे जो करीबी लोग हैं। मैम इसमें माहिर नफ्सियात का जो रोल है मैं वो पूछना चाहूंगी, किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर कोई छोड़ रहा होता है ना तो कहीं ना कहीं हमारे घर से ही तानेबाजी शुरू हो जाती है, हमें लग रहा होता है ये प्लान कर रहा है, ये लेने जाएगा, ये दोबारा से पिएगा, ये छोड़ नहीं सकता, तो इसमें माहिर नफ्सियात का क्या किरदार है? एक तो ये है कि काउंसलिंग जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि एक विलिंग प्रोसेस है जी, अगर कोई विलिंग ही नहीं कि मुझे ठीक किया जाए तो आप कुछ भी कर लें आप उसे ठीक नहीं कर सकते। हाँ जी। तो जो काउंसलिंग है स्पेशली जो सुबह की पेरेंट्स में बात चल रही है कि पेरेंट्स ने बच्चे को इस नशे में वो गया क्यों, क्योंकि मैंने उसे कोई अच्छा नशा नहीं लगाया, मुझे एक बचपन में उसे कोई एक अच्छा नशा लगाना था, गेम की शक्ल में, फुटबॉल की शक्ल में, सिंगिंग की शक्ल में, ड्रामे की शक्ल में, पेंटिंग की शक्ल में, एक्टिंग की शक्ल में, किसी भी, जब मैं अपने बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम उसके पास होता, क्योंकि बच्चे के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उन्होंने कहीं ना कहीं कंज्यूम करनी होती है, वो कंजम्पशन अगर लड़की है मैं उसे कुकिंग में लगा लूं, घर के किसी वर्क में लगाऊं, और बच्चा आदि होगा, क्यों नहीं होगा, बच्चा तो एक साफ स्लेट है, मैंने उसमें कुछ लिखना है तो जो लिख रही हूँ वही लिखा जाएगा। वर्किंग वुमेन भी है तो अपने बच्चों को, अगर वही कुरान में भी लिखा है कि अगर आप 2 साल बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो उसमें इम्यूनिटी ऑलरेडी होती है। हाँ तो मेरे अंदर उसके अंदर वो इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट नहीं आ रही, और हम हर लिहाज से उसे फिजिकली साइकोलॉजिकली और सोशली हम उससे दूर हैं जी। हमने आया को बच्चा दिया, अब आया का क्या स्टेटस है, बच्चा वही सीखेगा, पता नहीं उसका पति या उसका हस्बैंड जो है वो सिगरेट पीता हो, और वो अगर वो सीख के थोड़ा सा बच्चा सिगरेट को मॉडल बना के, तो मैंने उसे बचपन में सिखाया नहीं कि ये चीज मुझे आपको अच्छी नहीं है, जिन्होंने नहीं सीखा, जैसे ये कह रहे हैं मैंने कभी नहीं पिया, इन्होंने कभी नशा नहीं किया, दास साहब ने कभी नहीं किया, मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मेरे अपने 5 भाई हैं, फादर है, किसी ने सिगरेट को छुआ तक नहीं, सिगरेट की स्मेल ही किसी को पसंद नहीं, और जबकि वही वहीं पे दूसरे लोग पी रहे होते हैं, हर मुल्क में मैं गई हूँ जिन्होंने नहीं नशा छूना होता वो वहां पे भी नहीं छूते जी, वजह क्या है, पार्टियों में बैठे हुए भी पाइनएप्पल जूस पी लेते हैं, वो ट्रेनिंग जो उनके बचपन में आपने उनके दिमाग में रख दी है,
दूसरा उसके अगेंस्ट में हमने उसको कोई अच्छा सा एक मोटिव दिया कि ये वो करे। डॉक्टर इंजीनियर बनाना कोई ऐसी मेरे ख्याल में जरूरी चीज नहीं है, बच्चा जो बनना चाहता है उसे वो बनने दीजिए, और इंसान तो बनने देना, इंसान बनने का पुत्र तो बने वो, बिल्कुल जो मर्जी बन जाए, और वो भी आपको पता है आजकल की जो बना रहा है उसको इंजीनियर और डॉक्टर बनाने चल पड़े कभी नहीं बनेगा। आजकल की जो एकेडमी है, मैं एक कॉलेज में ब्लड कैंप में थी तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ना कहते हैं 12 बजे तक कैंप कर लीजिए, वाइंड अप कर दीजिए क्योंकि बच्चे जा रहे हैं, बच्चों के अलावा टीचर भी चले गए। पूछा क्यों चले गए 12 बजे के, अभी तो 2:30 बजे कॉलेज का गेट खुलेगा। तो उन्होंने कहा जी यहाँ 12 बजे अगर टीचर नहीं जाते तो माँ बाप हमारे आके हमारी जो है ना हमको डांटते हैं कि हमने बच्चे को अकेडमी भेजना है, कॉलेज का हम नाम कर रहे हैं, बच्चे को अकेडमी जाने दें और टीचर भी अकेडमी जाके पढ़ाएगा। वही टीचर अकेडमी में फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा है, वही टीचर कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा, घर की भी ऐसी ही हालत है। इनकी भी काउंसलिंग होने वाली है क्योंकि बच्चे के साथ मैंने कहा 3 ट्राई एंगल है, उसका दोस्त, उसकी माँ और उसके जो अपने जिनमें उठता बैठता है वो करीबी लोग हैं, जो उसके दोस्त हो गए और पेरेंट्स हो गए और उसके उस्ताद। अब जो उस्ताद क्या कर रहा है, अपना इलम बेच रहा है लेकिन वहाँ वो नहीं पढ़ा रहा जहाँ उसको पढ़ाने की जरूरत थी, और वहाँ चेक नहीं कर रहा अगर बच्चा एक ऐसा क्लास में 40 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा सा अगर ऐसा लग रहा है तो उसने उसको वक्त पे वॉच नहीं किया, पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया, पेरेंट्स का खबर नहीं, तो स्टूडेंट्स की उम्र के हैं जो मार्लबोरो से मांग के पी रहा है टीचर, वो क्या पढ़ाएगा उसे? तो ये सिर्फ किताबें डिग्रियों के लिए पढ़ाई जा रही है, प्रिंट आउट निकाल लो पंच करो, वो तो क्या डिग्रियां बिक रही हैं, डिग्रियां तो बल्कि सर नौकरी अब्बा दिला देंगे, वो है सारे अख्तियार किसी, उसमें एक माफिया है जो कॉलेजों में कॉलेज के टीचर को वहाँ पढ़ाने नहीं देता पेरेंट्स समेत, वो कहते हैं अकेडमी में पढ़ेगा तो बच्चा एंट्री टेस्ट में भी पास होगा, उसका नंबर भी आएंगे, नंबरों की मशीन है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो तो बाद की बात है क्या बनता है तो ये अल्लाह को पता है। दूसरी चीज़ है कि जब हम बच्चे का वो डिसाइड कर रहे हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, क्या मैं ये नहीं डिसाइड कर रहा कि इसका किरदार कैसा होना चाहिए? क्या बाप को नहीं चाहिए कि कम से कम पूरा हफ्ता ना से एक संडे ही अपने बच्चों के साथ रखे और उसको ले जाए कहीं और जो चाहते हैं वो करें, दोस्ती कर लेनी चाहिए अपने अपने बच्चों से। हमारे पेरेंट्स ने दोस्ती कर ली है, अभी दोस्ती बहुत ज्यादा है, आप अपने फादर को कभी यार करके नहीं बुलाते थे, कभी आपने सोचा? मैं तो कभी नहीं सोचूंगी अम्मा को अम्मी यार, आप ये हम नहीं कह सकते। दोस्ती में लिहाज जो चीज होती है ना, रिस्पेक्ट, वो खत्म हुआ है बेसिकली। अच्छा नहीं, उस पे भी पेरेंट्स डिपेंड करता है कि पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को चलाते हैं। बिकॉज मैं अपनी बात करूंगा कि माय फादर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इवन माय मदर आल्सो, उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे ज्यादा दोस्तों की अपनी जरूरत नहीं पड़ी बाहर, यही उनको ये फायदा हुआ कि उनको मेरी ऑल द जो मेरी एक्टिविटीज थी उनको पता चलता रहा। तो ये मैं समझता हूँ एक कनेक्शन वालिदैन और बच्चे के दरमियान जरूर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, विद रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है, लिहाज बड़ा जरूरी होता है। सर शोहरत हासिल करना, आजकल हर किसी को एक्टर एक्ट्रेसेस बनना है, हर किसी को टीवी पे आना है और जल्दी आना है, शॉर्ट कम मतलब रात को मैं एक ड्रामा करूं और सुबह मैं शहीन के एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह फेमस हो जाए पूरे मुल्क में। तो सर वो जो लोग फिर जिन कंपनीज में बैठते हैं जो उनको वर्गला रहे होते हैं कि हाँ आप में जो टैलेंट है वो तो पूरे पाकिस्तान में किसी में नहीं है, वहां से वो जो कंपनी है ना जो आपके बड़े बेस्ट फ्रेंड्स बने होते हैं ये वहां से भी जो हैबिट्स है आप अडॉप्ट करते हैं? देखो बेटा इस वक्त मीडिया जो है मेरे मुल्क का जी, हम आज टके टके की बातें करते हैं परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में कि उन्होंने ये कर दिया ये कर दिया, ये जितने चैनल्स प्राइवेट सेक्टर आए या दुआएं देंगे उन्हीं के दौर में लिबर्टी मिली और सारे आए। आपके मुल्क में क्या ताकत थी किसी के कि प्रिंट मीडिया का वो जो हेडिंग है सेंसर के बगैर लग जाए? हम ऐसे हो गए हुए कि हम सिर्फ दूसरे की बुराइयों पर नजर रखते हैं, उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। मेरे मुल्क में मीडिया में जब आया ना तो उसमें वहां भी एक माफिया है, चैनल्स जो है ना उनके सर्वाइवल में भी एक माफिया है, मुख्तलिफ सिंडिकेट्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को कब्जे में किया हुआ है, उन्हीं की प्रोडक्शन चलेगी, उन्हीं का ड्रामा चलेगा, उन्हीं के शोज चलेंगे, उसमें चैनल जो है वो भी है। मुसीबत ये हुई है कि गिमिक्स मदारीपन जो है ना वो हो गया कि आ जाओ आप, अरे बड़ी क्यूट है आ जाओ आप, उसके बाद उसके एक ड्रामे के पता नहीं वो किधर गए। ये माहौल, ये सराउंडिंग, ये जो अनड्यू एक लेविशनेस और एक इंटेलेक्चुअलिटी जो है ये सारी बर्बादियां उसकी। ये जो सेट लगा के बैठे हुए ना, इनकी कभी तलाशी लो तो अंदर से कुछ नहीं निकलता है, सेट लगे हुए कॉन्टेंट्स वो नहीं है जो पोर्ट्रे किए जा रहे हैं,
बेशुमार ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं, ऐसे स्टार्स हैं कि वो फला है फला। अब कभी किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के ड्रामे में तो तू दिखा नहीं, जब तू बनाता अपना ही बनाता, तेरे पास पैसे भी हैं, हीरो भी तू है, टीम भी तेरी वही है हर बार। तो सो ये सारे ख्वाब है, ये सर्वाइवल के इकोनॉमिकल इंसेंटिव की रेस है, इसमें डिवोशन चाहिए। आप पहले तो अपने अंदर आप देखो ना कि आप इस काबिल हो, ये जो आप करना चाह रहे हो, आप रब ने आपके अंदर वो एस्थेटिक्स ही नहीं रखी हुई, आप अच्छे खरादिये तो बन जाओगे जी। खरादिये को सैंपल देना पड़ता है जिसको वो बना के देता है। हाँ जी। आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे, इंजीनियर क्रिएट करता है नई चीज। तो ये भी ख्वाबों की एक शक्ल है और मोस्टली इस तरह बर्बादियां हो रही होगी, लेकिन अब कुछ कुछ मेरे मुल्क में एहतसाब होना शुरू हुआ है, बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, जो पूछ गिछ होनी शुरू हुई है। अभी बिल्कुल फिजिकल जो रिक्वायर अब हो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ गले में घंटियां जो है वो बंद रही है। तो इंशाल्लाह ताला हमने 72 बरस क्या क्या कुछ बीता है यार, अब हम 15 महीनों में और 2 साल में ये नहीं होगा है, बड़ी कबातियां नहीं हो रही है फिजिकल इम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा टाइम देख के तो देख लो ना यार, अगर वो नहीं करेंगे तो जब हम आवे आवे कहते हैं तो आ जाता है ना, उस दिन हम जावे जावे कह देंगे तो चला जाएगा, इसमें क्या कबाड़, हमने करना है ना, हम ही लाते हैं, हम ही भेजते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई। लेकिन थोड़ा सा टाइम देखेंगे, अभी बहुत सारी कबाड़ें दिख रही हैं हमें अपने मुल्क में, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है, जबानी जमा स्टार्ट हुआ, लेकिन थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा और नहीं होगा तो ना सही। हमने तो कन्विंस आइडियोलॉजी से होते हैं ना, जो आके कहता है बेहतरी की बात कर, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वेलकम जनाब कीजिए, मैं तो किसी वक्त भी पैकअप हो जाऊंगा, फाइनल शॉट ऊपर वाला कहेगा कट और मैं अगले। मेरा दिल दुखता है जब मैं अपने इस यूथ को ये बर्बाद, ये नहीं थी पहले, ये नहीं थी, ये पिछले कुछ दहाइयों में इस तरह मल्टीप्लाई हुई। अरे क्या, कहां जाएंगे हम, क्या करेंगे हम, कोई है कोई जवाब देने वाला, सवाल करते हैं कोई आगे, बॉदर करने वाला नहीं है। मेरे मुल्क में मिसकास्टिंग है हर शोबे में, वो बैठा हुआ जिसको डॉक्टर की सीट पे होना चाहिए वो कहीं इंजीनियर लगा हुआ है, जिसको कहीं ज़रात का होना चाहिए वो किसी कल्चरल काउंसिल का लगा हुआ है। हर मिसकास्टिंग है, जहां जहां जिसको होना चाहिए वो नहीं है, बंदर बांट रियोड़ियों की तरह बिकते हैं। जब तक सारी जगह मूव्स प्रॉपर सचमुच अमल को और उस प्रोफाइल के हवाले से नहीं होगी तो ये कबातें चलती रहेंगी, हम मुजाकरे भी करते रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। और अमल जरूरी है और इंफरादी जिम्मेदारी, अब तमाम लोगों की इंफरादी जिम्मेदारी और अमल, और ये तमाम चीजें के साथ साथ हम लोग अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैम आपने काउंसलिंग का जिक्र किया, साथ फैमिली काउंसलिंग की बात करी थी, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते, ताकि लोगों को एक होप भी हो कि अगर कोई एडिक्टेड है, इस बीमारी में मुब्तला है, तो वो ठीक हो सकता है, अगर वो चाहे, अगर वो खुद चाहेगा तो वो ठीक हो सकता है। मैम ट्रीटमेंट में काउंसलिंग एक स्टेप है, काउंसलिंग कितनी कितनी देर बाद की जाती है, क्या साथ मेडिकेशन भी चल रही होती है? बिल्कुल, मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग, सबसे पहले तो एक रेपो बिल्डअप के बाद आप पहले इस काबिल हो जाएं कि आप मेरे से बात कर लें जी। तो वो काउंसलर का काम है कि उसको बहुत ज्यादा उम्मीद भी ना दे और बहुत ज्यादा बैक पे भी ना रखे, एक दरमियानी सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही वो उसके ऊपर ही सारी रिलाई करने लग जाए कि शायद मेरा ही यही मसीहा है, तो ये बात भी ठीक नहीं कि इसमें बाकायदा एक मैनेज रखते हुए फिर उसको 1 मंथ के बाद या 15 डेज के बाद उसको दोबारा से 20 से लेकर 30 मिनट तक लाजमी उससे बात करें, ताकि वो अपनी बात खुल के आपको जो बयान करना चाहता है। फर्स्ट टाइम फर्ज करें मैं उसे पूछती हूँ कि आपने पीनी क्यों शुरू की या आपने नशा लेना क्यों शुरू किया, तो वो जो क्यों है ना, अगर वो मुझे सच बता देगा, जितनी अच्छा दिमाग इनका चलता है ना, जब ट्रीटमेंट के दरमियान किसी का नहीं चलता, वहां से भागने की, पहले तो आना, पहले तो वो सेंटर तक, VCT सेंटर तक आते हैं या नहीं, और अगर आप उनसे रिलेटेड उनके कोई दूसरा, अगर खावंद है उसकी बीवी को बुलाया या बच्चा है उसके बाप को बुलाया, माँ को बुलाया, माँ आइए बाप नहीं आएगा, क्योंकि काउंसलिंग के स्टेप्स हैं, फिर आप पेरेंट्स से काउंसलिंग करें, फिर आप उनके जहाँ दोस्तों में फिरता है उनसे बात करें, फिर जहाँ वो फील्ड में अगर आपका सोशल वर्कर वहां तक जा सकता है तो वहां भी देखें कि जो ये कह रहा है इसके कहने और जो मुझे बताया इसमें कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है, फिर आप उसे गाइड कर रहे थे, ये गाइडेंस है। काउंसलिंग, कोई काउंसलर तो नबी पाक थे, लेकिन जब पहले दिन
उन पे कूड़ा फेंकने वाली औरत ने कूड़ा नहीं फेंका, तो वो खुद गए पूछने के लिए कि आज आप कहाँ हैं कि मेरे पे कूड़ा नहीं फेंका। तो देखें, ये काउंसलिंग सिर्फ ये नहीं है कि वो उसका कोई हम मरज खुद ले लेंगे, लेकिन उसको गाइड करेंगे कि आप इस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे निकालेंगे। यानी मैंने उसे एम्पावर करना है कि अब सेकंड सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में उसका मेरे पे ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, अब मैंने उसके अंदर इम्पावर कर दिया कि अब मैं अपने आप को, लो जी मैं बड़ा ये कर लूंगा वो, और मैं इससे कैसे दूर रहूंगा। यही तो ग्रेजुअली कर नहीं रहे ना, और यही हम उसमें भी जल्दी है कि इसमें भी थोड़ा सा है कि हम हकूक अल्लाह की तरफ तो बड़ा गौर है हमारे पूरे दीन दार लोगों का, लेकिन हकूक अल्लाह पे नहीं। अगर हकूक अल्लाह पे हमारा सर फोकस होता तो मेरा ख्याल है ये लोग इस काबिल ना होते कि ये इन चीजों को टच भी करते। जी। तो ये जब आते हैं इस फील्ड में तो इससे पीछे भी एक बैकग्राउंड होती है। अगर वो सच बता दे तो यकीन करें कि ला इलाज नहीं है, इसका इलाज हो जाता है। बहुत से मेरे ऐसे भी पॉजिटिव जिनकी काउंसलिंग की है वो आज खुद काउंसलिंग कर रहे हैं मेरे सेंटर में। देखें, अपने आप को उन्होंने इतना एम्पावर कर लिया कि वो ऐसे भी पॉजिटिव लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं कि हमने छोड़ दिया, आप भी छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ठीक है कि जो ये ग्रुप्स इनके अपने होते हैं ना, सपोर्ट ग्रुप कहते हैं इनको। अच्छा, सपोर्ट ग्रुप का मकसद भी यही होता है कि जो लोग रिकवर हो गए हैं वो इनको रिलैप्स प्रिवेंशन में लेके जाते हैं। जिस वक्त भी इनको जो है ना किसी वक्त क्रेविंग हो रही होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये उनको कॉल करते हैं। अब लाहौर में इस वक्त जो है 9 ग्रुप्स हैं बने हुए, कुछ वो मॉडल टाउन में मिल रहे होते हैं, कुछ कहीं मिल रहे होते हैं, वो वहाँ पे इन लोगों के साथ बैठते हैं। और जो नए बिल्कुल जिन्होंने छोड़ा होता है ना नशा, कि पिछले 4 महीने में 5 महीने में छोड़ा है, उनको ये जो है ना बकायदा तौर पे जो है ना ग्रूम अप कर रहे होते हैं, फिर इसको सेलिब्रेट करते हैं। वी कॉल इट सेलिब्रेटिंग रिकवरी। हम मलेशिया में ओवरऑल 14 कंट्रीज से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एंड वी विल बी, क्योंकि खुद तो जा नहीं सकते इस वक्त, हमने यही किया कि वहाँ पे उनको अप्रिशिएट करेंगे। जिनको 13 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसे कहते हैं रिकवरी काउंटडाउन। वो इसी चीज के ऊपर खुश हो रहे होते हैं कि देखें हमें पाकिस्तान से किसी बंदे ने जो है ना उसने अप्रिशिएट कर दिया, उसने अप्लॉड कर दिया। वो फिर फौरन हमें, जब वो 2 साल गुजर जाते हैं उन्हें, वो हमें लिख के भेजते हैं कि मुझे 2 साल हो गए, मैंने अभी तक किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। ये खुद के साथ अमल से, इरादे से है ना, तो वो नेशन है कि कोरोना की वबा में प्लाज्मा बिकना शुरू हो गया। हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी के मर जाओ, उसके बावजूद 70 लोगों ने कल के लिए रजिस्टर करा लिया। लेकिन सर पॉजिटिव भी है, ऐसे भी हैं जो मेरे किया, और ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फेल किया होना है, लेकिन हमारे इनको ये नहीं पता कि इनका ये सब कुछ यही रह जाना। और ये जो कट है कर रहे हो, तेरे कार्य के शुरू हो गया था, फिर की कर सर हमारे यहाँ एक थोड़ा सालमिया ये भी है कि नेगेटिव बात बहुत फैल जाती है, और नेगेटिव बात के पीछे मीडिया भी बहुत ज्यादा, कोई बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे पास सर ऐसे ऐसे एग्जांपल है, डेली आते हैं। इन्हीं में से अब जब हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं ना पाकिस्तान में, तो रिकवर्ड को इतना वो नहीं इस्तेमाल करते जी, इसने क्या बताना है। लेकिन दे आर द बेस्ट ट्रेनर्स अक्रॉस द ग्लोब, जो अमेरिका में भी हमारे बैठे हुए हैं वो उनमें से रिकवर्ड हैं, जो हमारे पास फिलीपीन में बैठे हुए हैं, मलेशिया में बैठे हुए हैं, 28 मुल्कों में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं इस वक्त। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टार्ट में उन्हें घर में ट्रीट किया जाए, मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़े उनको सेंटर में आने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर परस्पेक्टिव में, हमारा फीमेल्स के हमने सेंटर बना के देखा कि वहाँ पे लोगों को रखें 3 महीने तक, तो हमें बड़ा मुश्किल हुआ जी। उसके लिए अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन आप घर के एक बंदे को हम ट्रेन कर देंगे, ठीक है। वो इनको जिस वक्त वो मेडिसिन देनी पड़ती है पहले 15 दिन, वो मेडिसिन देते रहेंगे हमारे प्रोग्राम के मुताबिक, और उसके बाद फिर हम इसको लेके चलेंगे साइकोलॉजिकल, उसके लिए आपको हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा। ठीक हो गया। इस तरह से उसका प्रोसेस, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है जी, जो बिल्कुल स्टार्ट में अभी कर रहे होते हैं, ठीक है। 15 मंथ्स का पूरा प्रोसेस जब पूरा हो जाता है ना, 15 मंथ्स तक एक बंदा अगर क्लीन, जिसे कहते हैं आम लफ्जों में जी, तो जिसने इस्तेमाल कुछ नहीं किया, तो फिर उसके बाद चांस होता है कि आप ये सारी जिंदगी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेगा। सर इस बारे में मजीद बात करेंगे, कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें बहुत मुश्किल से ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इनके चांसेस होते हैं दोबारा ये इसी तरफ वापस आ जाए या नहीं होते। सर अगर इजाजत हो, इमरान हमारे साथ मौजूद है, तो गाना सुन लें इनसे, वापस आते हैं ये। अच्छा, थोड़ी मोनोटोनी भी हो गई है, तो थोड़ी सी माहौल चेंज कर दिया इमरान। मुझे ये लग रहा था कि आपको बड़ा पसंद आएगा, बहुत सुरीली चीजें, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। थैंक यू।
सो मच, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर चेंज हो गया है माहौल, जैसे हम टेंशन और डिप्रेशन में जा रहे थे, बिल्कुल लग रहा कि जैसे हम भी उसी एडिक्शन में चले गए बोल बोल के। मैम काउंसलिंग में ये जो मौसीकी बड़ा अहम किरदार अदा करती है लोगों की चेंज करने में, इससे साइको ड्रामा से बल्कि ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है सब। इमरान आप लोगों का बड़ा अहम किरदार है ऐसा, क्योंकि मैम ने भी बताया बड़ा असर करती है ना, देखिए बहुत असर करती है, बहुत सर। इसीलिए तो इसको रूह की गजा कहते हैं, क्या बात है, और रूह की गजा वो भी जो अच्छा गाने वाले बहुत कम जो है, तो वो गानों की सजा बन जाती है ऐसे भी है सर। जहाँ पे हमने ओवरऑल यूथ की बात करे थे, बदकिस्मती से ख्वातीन का भी एक अच्छा खासा दादोशुमार में उनका भी जिक्र है, जो हमारी नई बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, ओ लेवल ए लेवल्स कर रही हैं, वो भी इसी एडिक्शन में आ चुकी हैं, और एक अच्छी खास 25 लाख के करीब तकरीबन। सर अब ख्वातीन क्यों इस तरफ आ रही हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हमें फेमस होना है, हमें कुछ ना कुछ बनना है, स्क्रीन पर आना है, एक वजह ये बहुत ज़्यादा सामने आई सर्वे करने के बाद। हमारे यहाँ ये जो हमारा मीडिया जो है ना, ये फैशन इंडस्ट्री, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पेइंग बिजनेस है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा राइज है, ये हमारे यहाँ नहीं सारी दुनिया में। और ये एक करिश्मा, एक वो होता है शनाख्त का, इसमें करना कुछ नहीं है, बस दाव लगने की जरूरत है, दाव लग गया तो मॉडलिंग में क्या कर लोगे, भी क्या करना, आप क्यूट हो, इधर मुंह कर लिया, इधर कर लिया, पोस्चर जो है वो जो क्रिएटर है जो उसको बना रहा है क्रेडिट उस, लेकिन उसमें आपकी फिगर एक, और फिर जब आप उसमें राइज हो जाते हो तो एक इकोनॉमिक, इसमें मॉडलिंग में बहुत बहुत बड़े 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 कमिटेड नाम है, वनीजा जैसी आएगी कोई, दूसरे उसके बाद जो आए, तो ये होता है उसमें, ये होता है कि हम एक वो जो फेम है ना उससे इंस्पायर बड़ी जल्दी होते हैं, लाइमलाइट कि मैं निकलूं अपने घर से तो जिधर जिस हाउसिंग कॉलोनी में जा रही हूं तो वो कह के वो देखो वो जा रही है वो जा रही, अरे भाई आप जाओ उसमें, लेकिन उसके कुछ असरार रमूज एसओपीज है सर, उसके भी सीखो, उसके अल्फाबेट्स सीखो, उसकी ग्रामर सीखो, उसकी क्लासेस लो, आप एक दाव में जाओगे तो दाव तो एक बार लगता है ना, वो बेशुमार, मेरी जिंदगी में बेशुमार ऐसे ऐसे नामवर लोग हैं जो यूं एक ब्लास्ट किया उन्होंने, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए, किसी ने स्टोर बनाया वो कोई दुबई में। तो आपको जिंदगी में एक टारगेट रखना है, ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग एक गिमिक के लिए शनाख्त, उसके बाद ओके ये वो जा रही है जिनने 1903 चो फलान ड्रामे काम किया, देन वॉट क्या फायदा। आपको अपना करियर, अपना टारगेट जो है, आप आओ शोबिज में, कौन मना करता है, लेकिन आप उसके लिए एक कमिटमेंट, एक प्रोसेस है, उसको सारे को झेल के उसमें आओ, उसमें कंट्रीब्यूट करते चले जाओ और अपनी पोटेंशियल से आओ। हाँ, प्रोसेस से लगे हुए हो ना, आप कोई अचानक आते तो फेम नहीं, आप एक प्रोसेस में देख रहा हूँ ना तुम्हें, कब से आप करते करते जू जू आप कंट्रीब्यूट करते चले जाते हो, आपकी वो फैनशिप बढ़ती जाती है, आप ग्रूम हो रहे हो, आप अपने इस सिंगिंग के असरार रुमूज को समझ रहे हो। पहले तेरा ज्यादा काम जो होता था वो धड़ल्ले बार बीट्स पे बेस होता, अब तू उसमें सुर को वो भी डिपेंड करता है ना वो पब्लिक के हवाले से, आप देखिए प्रोसेस है, आप जरूर आओ, खूबसूरत लोग बैठे हैं, जल्दियां है ना, ये मोमेंटम में अनड्यू तेजी, उस जब आप जिंदगी में अनड्यू तेजी से गुजरते हो ना तो आप हाँप के कहीं गिर पड़ते, और एक इनविजिबल भीड़, आप अकेले तो इस टारगेट पे नहीं निकले, पता नहीं कितने इनविजिबल आपके सराउंडिंग में लोग जो आपको दिख नहीं रहे, वो भी जब आप अनड्यू एक जिंदगी में किसी भी रूट पे निकलते हुए तेजी रखते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं हाँप के गिर, और सर जब आप गिर जाओगे तो कोई आपको उठाएगा नहीं, कुचल देगा, वो भीड़ कुचल देगा। तो जिंदगी के प्रोसेस में कमिटमेंट रखो, जो भी करना चाह रहे उसमें एक हुस्न रफ्तार रखो, एक हुस्न अखदार रखो, देर सवेर हो जाएगी, एक प्रोसेस उससे गुजर के जब आप टारगेट पे पहुंचोगे तो वो लॉन्ग लाइफ होगा, और वो आपकी जिंदगी में ही नहीं आपके जाने के बाद भी आपकी शनाख्त जो है उसके हवाले से होगी। तो थोड़ा जिंदगी में पेशेंस और सब्र से, और ये तेजी जो है ना वो मार गई है मेरे बच्चों को, जो तेजी है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे जो खवातीन के फैक्ट्स एंड फिगर डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं उनको देखते हुए, बच्चियां भी इसमें बहुत सारी है, अभी पिछले दिनों मैं कॉलेज में कैंप कर रही थी तो कैंप में भी मैं एक लक्ष्य जरूर पूछती हूँ कि आप कोई नशा तो नहीं करते, क्योंकि छोटे बच्चों को ब्लड लगाना होता है तो मोस्टली बच्चे सच बता देते हैं, ये बड़ी कुछ लोगों की आदत है, जैसे आप कह रही थी इकरार नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है कि यूथ कर लेते हैं,
बल्कि मैंने देखा है लड़कियां फखर से बता रही होती हैं कि आई एम स्मोकर, तो मुझे अफसोस होता है कि उनको शायद अपनी बताई नहीं गई कि आपकी शान इसमें क्या है, कि एक माँ की ये शान नहीं है कि कल को आप फ्यूचर की माँ हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा है भी कि जो फीमेल है ना, फिर अभी भी इतना तरक्की करने के बावजूद आपको पता है मेरिट पे अभी भी 70-80% डॉक्टर बन रही हैं लड़कियां, इसके बावजूद फीमेल को जो है ना किसी भी जगह भी उस तरह ओन अभी भी नहीं किया जाता। वो अगर पढ़ लिख गई है जॉब के लिए तो वो एक फीमेल है, उसके लिए बात कर रिजेक्ट हो जाती है कि ये सीट आपके लिए नहीं, तो वो स्ट्रेस ले लेती है। दूसरा 35 से, सर ये तो आपका एक और डाटा है ना, 35 एक बकायदा रिसर्च की गई है, 35% वो फीमेल्स हैं जिनकी 35 ईयर से ज़्यादा एज हो चुकी है और अभी उनकी शादियां नहीं हुई, और ये बहुत बड़ा काज है। आप इस पे बल्कि किसी दिन बकायदा उन एक्सपर्ट्स को बुला के बात करें कि इसको भी अलमिया है कि अगर लड़का थोड़ा सा काबिल है माँ उसकी शादी करेगी नहीं तो लड़कियों की शादी कहाँ से होगी। माँ भी कहती पहले बेटी की शादी करूंगी, बेटी की शादी करूंगी, तो वो बेटी का रिश्ता नहीं आता तो बेटे की शादी नहीं करती, तो वो इन तो फ्यूचर में किसी भी लड़की की शादी नहीं हो रही। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी बिफोर द 18 इयर्स हो रही हैं शादियां, यानी जो हमारी फोर्स अर्ली अभी 18 साल की भी नहीं, आप उसकी जबरदस्ती कर रहे हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या वो सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसकी शादी कर देंगे, या नॉर्मली बच्ची, तो आप उसकी शादी करके सोचते हैं कि ये शायद ठीक हो जाएगी जी। ये भी एक बहुत बड़ा, बिल्कुल ज्यादातर एक ऐसा स्टिग्मा है, एक ऐसा भी है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी के लिए डॉक्टर ही चाहिए, डॉक्टर के इंतजार में वो 40 साल की हो जाती है, 40 की हो, वो भी बड़ी गलत बात है। और लेकिन इमरान आजकल ऑपोजिट भी हो गया है, वो ये भी कहते हैं कि बेटी भी जो है वो या तो जॉब करने वाली हो या किसी डिपार्टमेंट में, ये होना चाहिए। इकोनॉमिकल दौड़ ने जो बर्बादी है, आई एग्री विद यू, पूछते हैं लड़की क्या करती है, अगर पढ़ी लिखी डॉक्टर तो किस बात की, अगर उसकी जॉब नहीं, क्या जॉब कंटिन्यू रखेगी, उसके बाद उसकी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है, ये पूछा जाता है। लेकिन बहुत कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो खाली वाकई उसकी सीरत को भी देखते हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं। ये इससे भी लड़की स्ट्रेस में आ गई है। अब जब वो स्ट्रेस में आई है, जैसे आप कह रही हैं कि कॉलेज में एक लड़की को सर वही टीचर फिर आ जाते हैं, मेरे पिछले दिनों मेरे पास एक काउंसलिंग का केस आया कि एक टीचर एक क्लास की उस लड़की को बहुत ज्यादा अहमियत देता है जो इतनी अहम नहीं, उसकी इंटेलिजेंसी भी कम है और ये वो, और वो बकायदा इंटेलिजेंट भी है, उससे बेहतर भी है, लेकिन उसका वो नाम नहीं। जैसे प्रोग्राम होते हैं कॉलेज में, आप एंकर हैं, आप ये करें, आप वो करें, तो उससे वो स्ट्रेस में उसने ये जो है ना स्मोकिंग शुरू कर दी। स्मोकिंग से आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ तक आई कि वो अब मेरे ख्याल सर के पास किसी सेंटर में आके काउंसलिंग करवाती होगी। तो मकसद है कि ये चीज के पीछे एक बैकग्राउंड होती है, स्टोरी होती है, बिल्कुल। और एंड क्या है, खुदकुशी, जैसे आपने और लेकिन अभी पिछले दिनों हमारा इसकी रेशो भी ज्यादा, बिल्कुल उसकी रेशो भी ज्यादा होगी। और हम खुदकुशी को कितना प्रमोट करके दिखाते हैं, तरीके बता रहे होते हैं ड्रामों में ही कि कैसे हम खुदकुशी कर लेंगे। हम क्यों सबर करना नहीं सिखा रहे अपनी कौम को, हम क्यों उन्होंने दिखा रहे कि मेरे पास जो है मैं इस पे सबर करूं और मैं उसको देख लूं जिसके पास, हाँ मैं अगर 3 times और खाना खा के सोती हूं, मेरा ख्याल इससे लकी दुनिया का बंदा नहीं, हेल्दी है आप खा के। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, बिल्कुल हर तरह की डिग्रियां उनके पास होना चाहिए, लेकिन शादी जो मेरा रिलीजन है उसमें, उस रिलीजन में एक सिख है, उसकी ऑप्शन तय कर दी गई, मर्द जो है ना ये उसकी ड्यूटी है, शादी हुई हो आई घर में उसकी सर सब कर। हम भी वो जो दौड़ है ना कि यार ये भी इसका राज जाएगी तो इसके भी 1.5 लाख तनख्वाह आएगी, ये कर लेंगे बर्बादियां, फिर वही पैसा पैसा पैसा, इम्तहान ही इंसान का, किसी को दे के इम्तहान हो रहा है, किसी से छीन के हो रहा है सब इम्तहान में। सर एक एक ऐसा भी है, एक ऐसा ग्रुप भी है जिसमें पेरेंट्स खुद बेटी की शादी नहीं कर रहे क्योंकि वो 1-1.25 लाख कमा रही है और वो सोचते हैं एक घर सेट कर रही है, अभी गाड़ी ले रही है, हाँ मैं इसकी शादी का, तो वो बहाना मां बना रही है। मेरे पास खुद केसेस है, मैंने बकायदा लिखा है, तो मैंने लिखा है बकायदा कि औरतों के जो मसाइल हैं वो, उसमें पेरेंट्स खुद शादी नहीं करते, खुद ही रिजेक्ट करी जाएंगे इस लड़के को भी, कह देंगे नहीं नहीं लड़की, अब लड़की ने कितना को हमारे मुआशरे में कितनी को वो फैसला करती है अपनी शादी में, थोड़ी सी मेरा 4-5% होगी, बाकी सारी माँ बाप के ऊपर ही रिलाई कर रही है। अब वो माँ बाप के ऊपर रिलाई कर रही हैं और 40-40 साल की हो रही हैं। एक रीजन आप ये बता रही हैं जो खवातीन इस तरफ आ रही हैं, एक फैशन ये वजह है नशे की, मैंने बताया ग्रुप में कर रहे हैं जी सर जी। जो मैरिड औरतें हैं ना उनका प्रॉब्लम दूसरा है,
उनका ये है कि वहाँ पे प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं क्वैक्स के जरिए से या किसी मेडिकल के डॉक्टर ने दे दिया। डॉक्टर ने तो दिया उसे 3 दिन के लिए कि तुमने 3 दिन जाके मेडिसिन लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद नुस्खा उसके पास मौजूद है, उसने क्या किया कि जब दोबारा बीमार हुए, सर में दर्द हुआ, वो चली गई मेडिकल स्टोर पे, उन्होंने कहा जी इस नुस्खे के मुताबिक दवाई दे दो। हाँ जी। अब वो उसने जब इस्तेमाल किया वो सुकून से जो है सो रही, उसके बाद फिर वो उसकी डोज खुद से बढ़ाती जा रही। अब जो मैरिड हैं वो आदी होती हैं ज्यादा ऐसी चीजों की जो ये गोलियां वगैरह हैं जिसमें ख्वाब आवर आती हैं, सुकून आवर आती हैं, ट्रैंकलाइजर जिन्हें कहते हैं, सेडेटिव्स कहते हैं, इसी तरीके से एनल्जेसिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, वो उसको इस्तेमाल करना शुरू करती। अल्टीमेटली उनका अंजाम भी क्या होता है कि दे कम ऑन टू द इंजेक्शंस। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर इस वक्त भी 8.5 लाख लोग जो हैं वो टीके से नशा करते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर आज भी अगर उन 8.5 लाख लोगों में से देखें तो हर 5वें या 7वें दिन कोई ना कोई टीके वाला नशा करने वाला उसकी डेथ हो रही है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें कि इनकी तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है जी। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे घर वाले खुद से पैसे दे देते हैं कि जाओ तुम ये जो है ना इंजेक्शन लगा लो, हमारी जान छोड़ो। ये वो चीजें हैं जिसको हमें रोकने की जरूरत है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि थैलेसीमिया के बहुत से पेशेंट हैं जिनको ब्लड नहीं मिल रहा ड्यू टू कोरोना, लोग डोनेट नहीं कर रहे, उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिये थैलेसीमिया का एक बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि उनको स्क्रीन शुदा ब्लड दिया जाता है ना, उसमें HIV भी नहीं होनी चाहिए, हेपेटाइटिस बी भी नहीं होना चाहिए, सी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी खुराक ही जो है वो सिर्फ खून है। अब आप जब जाके बच्चे देखते हैं, मैं जब भी रेड क्रिसेंट जाता हूँ तो 5 साल का बच्चा है उसको खून मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा, वरना उसे जिंदा नहीं रहना। और इस वक्त जो है लोगों में एक और बड़ा खौफ है कि पता नहीं हमने ब्लड दे दिया तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। याद रखिए इसकी वजह से इम्यूनिटी कम नहीं होती। आप ब्लड देते हैं उल्टा आपके जो है वो निज़ाम जो कि नए सेल्स बना रहा होता है वो और ज्यादा तेज हो जाता है और उससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच सर। मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे पास तो 710 बच्चे हैं जो थैलेसीमिक हैं और 5 दिन का बच्चा होता है तो डिक्लेयर हो जाता है कि या शी इज थैलेसीमिक और ता जिंदगी उसको ब्लड चाहिए होता है। जैसे सर ने बताया कि अतिया खून, अगर आप सेहतमंद हैं और आपका वजन 50 किलो से ज्यादा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई डिजीज नहीं है जी। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी HIV या इसके अलावा साइकोलॉजिकली आप डरते नहीं हैं, तो आप उनके लिए अतिया खून जरूर डोनेट करें। डोनेशन का आप किसी भी नेट से सर्च करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है डोनेशन का, उल्टा हमें फायदा है। ऐसा ही जैसे मैंने किसी की सेहत ही नहीं बचाई, अपनी जान भी, अपनी जान उसकी जान ही नहीं बचाई, अपनी सेहत भी बचाई, क्योंकि जो डोनेशन है वो कुरान में भी लिखा है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि लोग आजकल लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, कुछ और चीजों की वजह से काफी डरे हुए हैं। हमने उन्हें उबर भी फ्री ऑफर की हुई है, हमने उन्हें अपनी एम्बुलेंस भी फ्री ऑफर की है डोनर्स को कि आप जब आए हैं जहां से भी आए हम उन्हें इवन ये भी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जिधर वो अगर 4-5 लोग इकट्ठे हैं, जैसे आपका ये ऑफिस है, अगर आप कहते हैं 4-5 लोग देना चाहते हैं तो हम पूरी टीम यहाँ आ जाती है डॉक्टर समेत, वो यहाँ आके भी ब्लीड कर लेती है, क्योंकि इस वक्त बड़ी मुश्किल में है और इस मुश्किल से वो कहते हैं अल्लाह ही निकालने वाला है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। आपका आपके कीमती वक्त का सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो बेटा, रब के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल जो है ना ह्यूमन बीइंग का, वो उसकी मखलूक से क्या बात है। ये जितनी हमने गुफ्तगू सुनी की है सिर्फ और सिर्फ उसी मखलूक की बेहतरियों के हवाले से की है। तो अपने लोगों से जुड़े रहिए। नमाज कजा हो गई तो वो साहिब अख्तियार है, जिसने कहा कि इसकी माफ़ी नहीं है वो ये भी अख्तियार रखता है, वो कहेगा मैंने माफ़ किया। ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत, लोगों का ख्याल रखें। आप लाइफ इज अ सिंपली टेक वन टेक टू नहीं, आप गए तो ख़त्म है, तो कहीं कुछ ऐसा कोई चीज तो आप बीच के जाइए कि उसकी छाव में कल को बैठे तो आपके लिए दुआएं खैर करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का। इमरान क्या कहना चाहेंगे? मैं भी इन सबकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जिंदगियों को बचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी से नवाजा हुआ है। जिस जिसको खूबसूरत जिंदगी मिली है उस जिंदगी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अगर तो आप बिल्कुल सही सलामत हैं, और उन लोगों को फिर देखें जो इससे महरूम है,
इस चीज़ को देखते हुए आप उनकी मदद करें और ज़रूर डोनेट करें अपना ब्लड। और दूसरी चीज़ जो यूथ के लिए मेरा मैसेज है कि ये फैशन बिल्कुल नहीं है, इसको फैशन ना समझें, लग अल्लाह ताला ने देनी है, आपके माँ बाप की दुआओं ने देनी है, इसी से ही आपको कामयाब मिलेगी, ये नशा नुशा ही कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच इमरान, और प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जो आज टॉपिक था जिसका जिसपे बात करने का मकसद ये था कि अगर आपके इर्द गिर्द या फैमिली में कोई भी इसका विक्टिम है तो काइंडली शर्माइए ना, आप उसे लेके आइए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका मुमकिन है, इलाज इसका है, और ताकि इलाज करवाने के बाद जो और लोग हैं वो इसके मुतासिर ना हो सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आया भला झूले लालन, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आया भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सगी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर। उजड़ा रोजा पीरा तेरा, उजड़ा रोजा पीरा तेरा, हेठ बगे दरे आओ भला झूले लालन, हेठ बगे, हेठ बगे दरे आओ भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सगी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, सगी शहबाज कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, मावा नू पीरा बचड़े देना है, मावा नू पीरा बचड़े देना है, बहना नू देना है वीर मला झूले लालन, बहना नू देना है, बहना नू देना है वीर मला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सगी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैन।